हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में फिल्म की जो रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मिंग एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और लोगों के द्वारा दिया हुआ रिव्यूज़ और उनका क्या कहना है इस फिल्म के बारे में, और ये फिल्म किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है और थिएटर पर कब तक रिलीज़ की जाएगी और OTT प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन कब तक दिखी जाएगी और YouTube पे अवेलेबल है या नहीं, इन सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिले। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैंने इस वीडियो में मूवी को बहुत अच्छे से रिव्यू किया है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फिर शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। मोहब्बतें 2000 में बनी हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे आदित्य चोपड़ा ने लिखा और निर्देशित किया है तथा यश चोपड़ा ने अपने बैनर यश राज फिल्म्स के तहत इसका निर्माण किया है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के अलावा उदय चोपड़ा, शमिता शेट्टी, जुगल हंसराज, किम शर्मा, जिमी शेरगिल और प्रीति जगियानी जैसे नए चेहरे हैं। यह गुरुकुल कॉलेज के सख्त प्रिंसिपल नारायण की कहानी है, जिसकी बेटी मेघा कॉलेज में संगीत शिक्षक राज के साथ उसके रिश्ते का विरोध करने के बाद आत्महत्या कर लेती है। कहानी में राज तीन गुरुकुल छात्रों और उनके प्रेम प्रसंगों के साथ मिलकर नारायण की प्रेम के प्रति असहिष्णुता के खिलाफ विरोध करता है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की, तो अमिताभ बच्चन नारायण शंकर के रूप में मेघा के पिता और गुरुकुल के प्रिंसिपल, शाहरुख खान राज आर्यन मल्होत्रा के रूप में मेघा के प्रेमी और गुरुकुल में संगीत शिक्षक, ऐश्वर्या राय मेघा शंकर के रूप में नारायण की बेटी और राज की प्रेमिका, उदय चोपड़ा विक्रम विकी कपूर विक्रम ओबेरॉय नकली के रूप में इशिता के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र, जुगल हंसराज शर्मा के रूप में संजना के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र, जिम्मी शेरगिल करण चौधरी के रूप में किरण के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र। बात करते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन की, तो रोमांटिक ड्रामा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में निर्माण से पहले जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाली और सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्मों में से एक है। आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन की शुरुआत करने के लिए मोहब्बतें लिखना शुरू कर दिया था। चोपड़ा को लगा कि मोहब्बतें का विषय बहुत परिपक्व था, इसलिए उन्होंने निर्देशक के रूप में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को अपनी पहली फिल्म और मोहब्बतें को अपनी दूसरी फिल्म बनाया। अपनी अगली फिल्म में अलग थीम चाहते हुए उन्होंने मोहब्बतें को एक थ्रिलर के रूप में सोचा, लेकिन अपना विचार बदल दिया और एक और रोमांटिक फिल्म बनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, मुझे एहसास हुआ कि उस कहानी में कुछ ऐसा है जो मुझे उसकी ओर खींचता रहता है, इसलिए एक दिन मैंने अपनी थ्रिलर फाइल बंद कर दी और लापरवाही से अपनी मोहब्बतें फाइल उठा ली। उस एक साधारण एक्शन ने मेरे लिए दूसरी फिल्म तैयार कर ली। चोपड़ा ने दिल तो पागल है कि रिलीज के बाद मोहब्बतें लिखना शुरू किया। वे चाहते थे कि यह फिल्म रोमांटिक कहानियों से बढ़कर हो। हिंदी सिनेमा के विश्वकोश के अनुसार यह फिल्म 1999 की अमेरिकी आने वाली उम्र के नाटक डेट पोस्ट सोसाइटी से प्रेरित थी। बात करते हैं इस फिल्म के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो 13 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने 93 करोड़ की कमाई की है। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की, तो मोहब्बतें
को रिलीज होने पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसमें बच्चन और खान के अभिनय को सबसे अधिक प्रशंसा मिली। Rediff.com की सवेरा आर सोमेश्वर ने टिप्पणी की कि फिल्म बेशक एक गड़बड़ है, लेकिन यह एक सफल फील गुड फिल्म भी है। उन्होंने दोनों अभिनेताओं को दो स्तंभों के रूप में वर्णित किया जिन पर यह फिल्म बनी है, और हर बार जब वे आमने सामने आते हैं तो एक उम्मीद भरी खामोशी होती है। बॉलीवुड हंगामा के तरह आदर्श ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए। दोनों के बीच टकराव के दृश्यों को शानदार तरीके से संभालने के लिए आदित्य चोपड़ा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि निर्देशक अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर है। उन्होंने कहा, एक बार भी आपको ऐसा नहीं लगता कि चोपड़ा में लेखक किसी एक पक्ष की ओर झुका है। विनायक चक्रवर्ती ने निष्कर्ष निकाला, स्पष्ट रूप से आदित्य चोपड़ा को इस बार एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक ठोस पटकथा से वंचित, प्रभावशाली उपचार से रहित और अपने मेगा सपने को बनाए रखने के लिए किसी भी निर्देशनीय विश्वसनीयता की कमी मोहब्बतें किसी भी नवोदित फिल्म निर्माता के लिए एक सच्चा सबक है कि कैसे फिल्म बननी चाहिए। जी नेक्स्ट के विनय हागडे ने फिल्म की तीखी समीक्षा करते हुए इसे मूर्खतापूर्ण कहा और कहा कि खैर और सिंह पूरी तरह से बेकार थे। बात करें होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन Zee5 पर देख सकते हैं। मोहब्बतें 2000 में बनी हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे आदित्य चोपड़ा ने लिखा और निर्देशित किया है तथा यश चोपड़ा ने अपने बैनर यश राज फिल्म्स के तहत इसका निर्माण किया है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के अलावा उदय चोपड़ा, शमिता शेट्टी, जुगल हंसराज, किम शर्मा, जिमी शेरगिल और प्रीति जगियानी जैसे नए चेहरे है। यह गुरुकुल कॉलेज के सख्त प्रिंसिपल नारायण की कहानी है, जिसकी बेटी मेघा कॉलेज में संगीत शिक्षक राज के साथ उसके रिश्ते का विरोध करने के बाद आत्महत्या कर लेती है। कहानी में राज 3 गुरुकुल छात्रों और उनके प्रेम प्रसंगों के साथ मिलकर नारायण की प्रेम के प्रति असहिष्णुता के खिलाफ विरोध करता है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की तो अमिताभ बच्चन नारायण शंकर के रूप में मेघा के पिता और गुरुकुल के प्रिंसिपल, शाहरुख खान राज आर्यन मल्होत्रा के रूप में मेघा के प्रेमी और गुरुकुल में संगीत शिक्षक, ऐश्वर्या राय मेघा शंकर के रूप में नारायण की बेटी और राज की प्रेमिका, उदय चोपड़ा विक्रम, विकी कपूर विक्रम ओबेरॉय नकली के रूप में इशिता के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र, जुगल हंसराज शर्मा के रूप में संजना के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र, जिम्मी शेरगिल करण चौधरी के रूप में किरण के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र। बात करते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन की तो रोमांटिक ड्रामा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में निर्माण से पहले जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाली और सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्मों में से एक है। आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन की शुरुआत करने के लिए मोहब्बतें लिखना शुरू कर दिया था। चोपड़ा को लगा कि मोहब्बतें का विषय बहुत परिपक्व था, इसलिए उन्होंने निर्देशक के रूप में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को अपनी पहली फिल्म और मोहब्बतें को अपनी दूसरी फिल्म बनाया। अपनी अगली फिल्म में अलग थीम चाहते हुए उन्होंने मोहब्बतें को एक थ्रिलर के रूप में सोचा, लेकिन अपना विचार बदल दिया और एक और रोमांटिक फिल्म बनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, मुझे एहसास हुआ कि उस कहानी में कुछ ऐसा है जो मुझे उसकी ओर खींचता रहता है, इसलिए एक दिन मैंने अपनी थ्रिलर फाइल बंद कर दी और लापरवाही से अपनी मोहब्बतें फाइल उठा ली।
उस एक साधारण एक्शन ने मेरे लिए दूसरी फिल्म तैयार कर ली। चोपड़ा ने दिल तो पागल है कि रिलीज के बाद मोहब्बतें लिखना शुरू किया। वे चाहते थे कि यह फिल्म रोमांटिक कहानियों से बढ़कर हो। हिंदी सिनेमा के विश्वकोश के अनुसार यह फिल्म 1999 की अमेरिकी आने वाली उम्र के नाटक डेट पोएस्ट सोसाइटी से प्रेरित थी। बात करते हैं इस फिल्म के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो 13 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने 93 करोड़ की कमाई की है। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की, तो मोहब्बत को रिलीज होने पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसमें बच्चन और खान के अभिनय को सबसे अधिक प्रशंसा मिली। Rediff.com की सवेरा आर सोमेश्वर ने टिप्पणी की कि फिल्म बेशक एक गड़बड़ है, लेकिन यह एक सफल फील गुड फिल्म भी है। उन्होंने दोनों अभिनेताओं को दो स्तंभों के रूप में वर्णित किया जिन पर यह फिल्म बनी है, और हर बार जब वे आमने सामने आते हैं तो एक उम्मीद भरी खामोशी होती है। बॉलीवुड हंगामा के तरल आदर्श ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए। दोनों के बीच टकराव के दृश्यों को शानदार तरीके से संभालने के लिए आदित्य चोपड़ा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि निर्देशक अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर है। उन्होंने कहा, एक बार भी आपको ऐसा नहीं लगता कि चोपड़ा में लेखक किसी एक पक्ष की ओर झुका है। विनायक चक्रवर्ती ने निष्कर्ष निकाला, स्पष्ट रूप से आदित्य चोपड़ा को इस बार एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक ठोस पटकथा से वंचित, प्रभावशाली उपचार से रहित और अपने मेगा सपने को बढ़ाए बना रखने के लिए किसी भी निर्देशनीय विश्वसनीयता की कमी मोहब्बतें किसी भी नवोदित फिल्म निर्माता के लिए एक सच्चा सबक है कि कैसे फिल्म बननी चाहिए। जी नेक्स्ट के विनय हागडे ने फिल्म की तीखी समीक्षा करते हुए इसे मूर्खतापूर्ण कहा और कहा कि खैर और सिंह पूरी तरह से बेकार थे। बात करें होम मीडिया की, तो इस मूवी को आप ऑनलाइन Zee5 पर देख सकते हैं। मोहब्बतें 2000 में बनी हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे आदित्य चोपड़ा ने लिखा और निर्देशित किया है, तथा यश चोपड़ा ने अपने बैनर यश राज फिल्म्स के तहत इसका निर्माण किया है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के अलावा उदय चोपड़ा, शमिता शेट्टी, जुगल हंसराज, किम शर्मा, जिमी शेरगिल और प्रीति जगियानी जैसे नए चेहरे हैं। यह गुरुकुल कॉलेज के सख्त प्रिंसिपल नारायण की कहानी है, जिसकी बेटी मेघा कॉलेज में संगीत शिक्षक राज के साथ उसके रिश्ते का विरोध करने के बाद आत्महत्या कर लेती है। कहानी में राज 3 गुरुकुल छात्रों और उनके प्रेम प्रसंगों के साथ मिलकर नारायण की प्रेम के प्रति असहिष्णुता के खिलाफ विरोध करता है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की, तो अमिताभ बच्चन नारायण शंकर के रूप में मेघा के पिता और गुरुकुल के प्रिंसिपल, शाहरुख खान राज आर्यन मल्होत्रा के रूप में मेघा के प्रेमी और गुरुकुल में संगीत शिक्षक, ऐश्वर्या राय मेघा शंकर के रूप में नारायण की बेटी और राज की प्रेमिका, उदय चोपड़ा विक्रम विकी कपूर विक्रम ओबेरॉय नकली के रूप में इशिता के प्रेमी और गुरुकुल में एक शास्त्र, जुगल हंसराज शर्मा के रूप में संजना के प्रेमी और गुरुकुल में एक शास्त्र, जिम्मी शेरगिल करण चौधरी के रूप में किरण के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र। बात करते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन की, तो रोमांटिक ड्रामा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में निर्माण से पहले जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाली और सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्मों में से एक है।
आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन की शुरुआत करने के लिए मोहब्बतें लिखना शुरू कर दिया था। चोपड़ा को लगा कि मोहब्बतें का विषय बहुत परिपक्व था, इसलिए उन्होंने निर्देशक के रूप में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को अपनी पहली फिल्म और मोहब्बतें को अपनी दूसरी फिल्म बनाया। अपनी अगली फिल्म में अलग थीम चाहते हुए उन्होंने मोहब्बतें को एक थ्रिलर के रूप में सोचा, लेकिन अपना विचार बदल दिया और एक और रोमांटिक फिल्म बनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, मुझे एहसास हुआ कि उस कहानी में कुछ ऐसा है जो मुझे उसकी ओर खींचता रहता है। इसलिए एक दिन मैंने अपनी थ्रिलर फाइल बंद कर दी और लापरवाही से अपनी मोहब्बतें फाइल उठा ली। उस एक साधारण एक्शन ने मेरे लिए दूसरी फिल्म तैयार कर ली। चोपड़ा ने दिल तो पागल है कि रिलीज के बाद मोहब्बतें लिखना शुरू किया। वे चाहते थे कि यह फिल्म रोमांटिक कहानियों से बढ़कर हो। हिंदी सिनेमा के विश्वकोश के अनुसार यह फिल्म 1999 की अमेरिकी आने वाली उम्र के नाटक डेट पोस्ट सोसाइटी से प्रेरित थी। बात करते इस फिल्म के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो 13 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने 93 करोड़ की कमाई की है। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की तो मोहब्बतें को रिलीज होने पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसमें बच्चन और खान के अभिनय को सबसे अधिक प्रशंसा मिली। Rediff.com की सवेरा आर सोमेश्वर ने टिप्पणी की कि फिल्म बेशक एक गड़बड़ है, लेकिन यह एक सफल फील गुड फिल्म भी है। उन्होंने दोनों अभिनेताओं को दो स्तंभों के रूप में वर्णित किया जिन पर यह फिल्म बनी है, और हर बार जब वे आमने सामने आते हैं तो एक उम्मीद भरी खामोशी होती है। बॉलीवुड हंगामा के तरल आदर्श ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए। दोनों के बीच टकराव के दृश्यों को शानदार तरीके से संभालने के लिए आदित्य चोपड़ा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि निर्देशक अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर है। उन्होंने कहा, एक बार भी आपको ऐसा नहीं लगता कि चोपड़ा में लेखक किसी एक पक्ष की ओर झुका है। विनायक चक्रवर्ती ने निष्कर्ष निकाला, स्पष्ट रूप से आदित्य चोपड़ा को इस बार एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक ठोस पटकथा से वंचित, प्रभावशाली उपचार से रहित और अपने मेगा सपने को बढ़ाए बना रखने के लिए किसी भी निर्देशनीय विश्वसनीयता की कमी मोहब्बतें किसी भी नवोदित फिल्म निर्माता के लिए एक सच्चा सबक है कि कैसे फिल्म बननी चाहिए। जी नेक्स्ट के विनय हागडे ने फिल्म की तीखी समीक्षा करते हुए इसे मूर्खतापूर्ण कहा और कहा कि खैर और सिंह पूरी तरह से बेकार थे। बात करें होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन Zee5 पर देख सकते हैं। मोहब्बतें 2000 में बनी हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे आदित्य चोपड़ा ने लिखा और निर्देशित किया है तथा यश चोपड़ा ने अपने बैनर यश राज फिल्म्स के तहत इसका निर्माण किया है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के अलावा उदय चोपड़ा, शमिता शेट्टी, जुगल हंसराज, किम शर्मा, जिमी शेरगिल और प्रीति जगियानी जैसे नए चेहरे हैं। यह गुरुकुल कॉलेज के सख्त प्रिंसिपल नारायण की कहानी है, जिसकी बेटी मेघा कॉलेज में संगीत शिक्षक राज के साथ उसके रिश्ते का विरोध करने के बाद आत्महत्या कर लेती है। कहानी में राज 3 गुरुकुल छात्रों और उनके प्रेम प्रसंगों के साथ मिलकर नारायण की प्रेम के प्रति असहिष्णुता के खिलाफ विरोध करता है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की तो अमिताभ बच्चन नारायण शंकर के रूप में मेघा के पिता और गुरुकुल के प्रिंसिपल, शाहरुख खान राज आर्यन मल्होत्रा के रूप में मेघा के प्रेमी और गुरुकुल में संगीत शिक्षक,
ऐश्वर्या राय मेघा शंकर के रूप में नारायण की बेटी और राज की प्रेमिका, उदय चोपड़ा विक्रम, विकी कपूर विक्रम ओबेरॉय नकली के रूप में इशिता के प्रेमी और गुरुकुल में एक शास्त्र, जुगल हंसराज शर्मा के रूप में संजना के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र, जिम्मी शेरगिल करण चौधरी के रूप में किरण के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र। बात करते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन की तो रोमांटिक ड्रामा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में निर्माण से पहले जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाली और सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्मों में से एक है। आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन की शुरुआत करने के लिए मोहब्बतें लिखना शुरू कर दिया था। चोपड़ा को लगा कि मोहब्बतें का विषय बहुत परिपक्व था, इसलिए उन्होंने निर्देशक के रूप में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को अपनी पहली फिल्म और मोहब्बतें को अपनी दूसरी फिल्म बनाया। अपनी अगली फिल्म में अलग थीम चाहते हुए उन्होंने मोहब्बतें को एक थ्रिलर के रूप में सोचा, लेकिन अपना विचार बदल दिया और एक और रोमांटिक फिल्म बनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, मुझे एहसास हुआ कि उस कहानी में कुछ ऐसा है जो मुझे उसकी ओर खींचता रहता है, इसलिए एक दिन मैंने अपनी थ्रिलर फाइल बंद कर दी और लापरवाही से अपनी मोहब्बतें फाइल उठा ली। उस एक साधारण एक्शन ने मेरे लिए दूसरी फिल्म तैयार कर ली। चोपड़ा ने दिल तो पागल है कि रिलीज के बाद मोहब्बतें लिखना शुरू किया। वे चाहते थे कि यह फिल्म रोमांटिक कहानियों से बढ़कर हो। हिंदी सिनेमा के विश्वकोश के अनुसार यह फिल्म 1999 की अमेरिकी आने वाली उम्र के नाटक डेट पोस्ट सोसाइटी से प्रेरित थी। बात करते हैं इस फिल्म के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो 13 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने 93 करोड़ की कमाई की है। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की तो मोहब्बत को रिलीज होने पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसमें बच्चन और खान के अभिनय को सबसे अधिक प्रशंसा मिली। Rediff.com की सवेरा आर सोमेश्वर ने टिप्पणी की कि फिल्म बेशक एक गड़बड़ है, लेकिन यह एक सफल फील गुड फिल्म भी है। उन्होंने दोनों अभिनेताओं को दो स्तंभों के रूप में वर्णित किया जिन पर यह फिल्म बनी है, और हर बार जब वे आमने सामने आते हैं तो एक उम्मीद भरी खामोशी होती है। बॉलीवुड हंगामा के तरल आदर्श ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए। दोनों के बीच टकराव के दृश्यों को शानदार तरीके से संभालने के लिए आदित्य चोपड़ा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि निर्देशक अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर है। उन्होंने कहा, एक बार भी आपको ऐसा नहीं लगता कि चोपड़ा में लेखक किसी एक पक्ष की ओर झुका है। विनायक चक्रवर्ती ने निष्कर्ष निकाला, स्पष्ट रूप से आदित्य चोपड़ा को इस बार एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक ठोस पटकथा से वंचित, प्रभावशाली उपचार से रहित और अपने मेगा सपने को बनाए रखने के लिए किसी भी निर्देशनीय विश्वसनीयता की कमी मोहब्बतें किसी भी नवोदित फिल्म निर्माता के लिए एक सच्चा सबक है कि कैसे फिल्म बननी चाहिए। जी नेक्स्ट के विनय हागडे ने फिल्म की तीखी समीक्षा करते हुए इसे मूर्खतापूर्ण कहा और कहा कि खैर और सिंह पूरी तरह से बेकार थे। बात करें मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन Zee5 पर देख सकते हैं। मोहब्बतें 2000 में बनी हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे आदित्य चोपड़ा ने लिखा और निर्देशित किया है तथा यश चोपड़ा ने अपने बैनर यश राज फिल्म्स के तहत
इसका निर्माण किया है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के अलावा उदय चोपड़ा, शमिता शेट्टी, जुगल हंसराज, किम शर्मा, जिमी शेरगिल और प्रीति जगियानी जैसे नए चेहरे हैं। यह गुरुकुल कॉलेज के शख्स प्रिंसिपल नारायण की कहानी है, जिसकी बेटी मेघा कॉलेज में संगीत शिक्षक राज के साथ उसके रिश्ते का विरोध करने के बाद आत्महत्या कर लेती है। कहानी में राज तीन गुरुकुल छात्रों और उनके प्रेम प्रसंगों के साथ मिलकर नारायण की प्रेम के प्रति असहिष्णुता के खिलाफ विरोध करता है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की, तो अमिताभ बच्चन नारायण शंकर के रूप में मेघा के पिता और गुरुकुल के प्रिंसिपल, शाहरुख खान राज आर्यन मल्होत्रा के रूप में मेघा के प्रेमी और गुरुकुल में संगीत शिक्षक, ऐश्वर्या राय मेघा शंकर के रूप में नारायण की बेटी और राज की प्रेमिका, उदय चोपड़ा विक्रम, विकी कपूर विक्रम ओबेरॉय नकली के रूप में इशिता के प्रेमी और गुरुकुल में एक शास्त्र, जुगल हंसराज शर्मा के रूप में संजना के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र, जिम्मी शेरगिल करण चौधरी के रूप में किरण के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र। बात करते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन की, तो रोमांटिक ड्रामा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में निर्माण से पहले जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाली और सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्मों में से एक है। आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन की शुरुआत करने के लिए मोहब्बतें लिखना शुरू कर दिया था। चोपड़ा को लगा कि मोहब्बतें का विषय बहुत परिपक्व था, इसलिए उन्होंने निर्देशक के रूप में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को अपनी पहली फिल्म और मोहब्बतें को अपनी दूसरी फिल्म बनाया। अपनी अगली फिल्म में अलग थीम चाहते हुए उन्होंने मोहब्बतें को एक थ्रिलर के रूप में सोचा, लेकिन अपना विचार बदल दिया और एक और रोमांटिक फिल्म बनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, मुझे एहसास हुआ कि उस कहानी में कुछ ऐसा है जो मुझे उसकी ओर खींचता रहता है, इसलिए एक दिन मैंने अपनी थ्रिलर फाइल बंद कर दी और लापरवाही से अपनी मोहब्बतें फाइल उठा ली। उस एक साधारण एक्शन ने मेरे लिए दूसरी फिल्म तैयार कर ली। चोपड़ा ने दिल तो पागल है कि रिलीज के बाद मोहब्बतें लिखना शुरू किया। वे चाहते थे कि यह फिल्म रोमांटिक कहानियों से बढ़कर हो। हिंदी सिनेमा के विश्वकोश के अनुसार यह फिल्म 1999 की अमेरिकी आने वाली उम्र के नाटक डेट पोस्ट सोसाइटी से प्रेरित थी। बात करते हैं इस फिल्म के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो 13 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने 93 करोड़ की कमाई की है। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की, तो मोहब्बत को रिलीज होने पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसमें बच्चन और खान के अभिनय को सबसे अधिक प्रशंसा मिली। Rediff.com की सवेरा आर सोमेश्वर ने टिप्पणी की कि फिल्म बेशक एक गड़बड़ है, लेकिन यह एक सफल फील गुड फिल्म भी है। उन्होंने दोनों अभिनेताओं को दो स्तंभों के रूप में वर्णित किया जिन पर यह फिल्म बनी है, और हर बार जब वे आमने सामने आते हैं तो एक उम्मीद भरी खामोशी होती है। बॉलीवुड हंगामा के तरह आदर्श ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए। दोनों के बीच टकराव के दृश्यों को शानदार तरीके से संभालने के लिए आदित्य चोपड़ा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि निर्देशक अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर है। उन्होंने कहा, एक बार भी आपको ऐसा नहीं लगता कि चोपड़ा में लेखक किसी एक पक्ष की ओर झुका है। विनायक चक्रवर्ती ने निष्कर्ष निकाला, स्पष्ट रूप से आदित्य चोपड़ा को इस बार एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक ठोस पटकथा से वंचित, प्रभावशाली उपचार से रहित और अपने मेगा सपने को बनाए रखने के लिए किसी भी
अविश्वसनीय विश्वसनीयता की कमी मोहब्बतें किसी भी नवोदित फिल्म निर्माता के लिए एक सच्चा सबक है कि कैसे फिल्म बननी चाहिए। जी नेक्स्ट के विनय हागडे ने फिल्म की तीखी समीक्षा करते हुए इसे मूर्खतापूर्ण कहा और कहा कि खैर और सिंह पूरी तरह से बेकार थे। बात करें मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन ज़ी5 पर देख सकते हैं। मोहब्बतें 2000 में बनी हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे आदित्य चोपड़ा ने लिखा और निर्देशित किया है तथा यश चोपड़ा ने अपने बैनर यश राज फिल्म्स के तहत इसका निर्माण किया है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के अलावा उदय चोपड़ा, शमिता शेट्टी, जुगल हंसराज, किम शर्मा, जिमी शेरगिल और प्रीति जगियानी जैसे नए चेहरे हैं। यह गुरुकुल कॉलेज के सख्त प्रिंसिपल नारायण की कहानी है जिसकी बेटी मेघा कॉलेज में संगीत शिक्षक राज के साथ उसके रिश्ते का विरोध करने के बाद आत्महत्या कर लेती है। कहानी में राज 3 गुरुकुल छात्रों और उनके प्रेम प्रसंगों के साथ मिलकर नारायण की प्रेम के प्रति असहिष्णुता के खिलाफ विरोध करता है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की तो अमिताभ बच्चन नारायण शंकर के रूप में मेघा के पिता और गुरुकुल के प्रिंसिपल, शाहरुख खान राज आर्यन मल्होत्रा के रूप में मेघा के प्रेमी और गुरुकुल में संगीत शिक्षक, ऐश्वर्या राय मेघा शंकर के रूप में नारायण की बेटी और राज की प्रेमिका, उदय चोपड़ा विक्रम विकी कपूर विक्रम ओबेरॉय नकली के रूप में इशिता के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र, जुगल हंसराज शर्मा के रूप में संजना के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र, जिम्मी शेरगिल करण चौधरी के रूप में किरण के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र। बात करते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन की तो रोमांटिक ड्रामा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में निर्माण से पहले जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाली और सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्मों में से एक है। आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन की शुरुआत करने के लिए मोहब्बतें लिखना शुरू कर दिया था। चोपड़ा को लगा कि मोहब्बतें का विषय बहुत परिपक्व था, इसलिए उन्होंने निर्देशक के रूप में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को अपनी पहली फिल्म और मोहब्बतें को अपनी दूसरी फिल्म बनाया। अपनी अगली फिल्म में अलग थीम चाहते हुए उन्होंने मोहब्बतें को एक थ्रिलर के रूप में सोचा, लेकिन अपना विचार बदल दिया और एक और रोमांटिक फिल्म बनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, मुझे एहसास हुआ कि उस कहानी में कुछ ऐसा है जो मुझे उसकी ओर खींचता रहता है, इसलिए एक दिन मैंने अपनी थ्रिलर फाइल बंद कर दी और लापरवाही से अपनी मोहब्बतें फाइल उठा ली। उस एक साधारण एक्शन ने मेरे लिए दूसरी फिल्म तैयार कर ली। चोपड़ा ने दिल तो पागल है कि रिलीज के बाद मोहब्बतें लिखना शुरू किया। वे चाहते थे कि यह फिल्म रोमांटिक कहानियों से बढ़कर हो। हिंदी सिनेमा के विश्वकोश के अनुसार यह फिल्म 1999 की अमेरिकी आने वाली उम्र के नाटक डेट पोस्ट सोसाइटी से प्रेरित थी। बात करते हैं इस फिल्म के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो 13 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने 93 करोड़ की कमाई की है। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की तो मोहब्बत को रिलीज होने पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसमें बच्चन और खान के अभिनय को सबसे अधिक प्रशंसा मिली। Rediff.com की सवेरा आर सोमेश्वर ने टिप्पणी की कि फिल्म बेशक एक गड़बड़ है, लेकिन यह एक सफल फील गुड फिल्म भी है। उन्होंने दोनों अभिनेताओं को दो स्तंभों के रूप में वर्णित किया जिन पर यह फिल्म बनी है, और हर बार जब वे आमने सामने आते हैं तो एक उम्मीद भरी खामोशी होती है। बॉलीवुड हंगामा के तरल
आदर्श ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए। दोनों के बीच टकराव के दृश्यों को शानदार तरीके से संभालने के लिए आदित्य चोपड़ा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि निर्देशक अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर है। उन्होंने कहा, एक बार भी आपको ऐसा नहीं लगता कि चोपड़ा में लेखक किसी एक पक्ष की ओर झुका है। विनायक चक्रवर्ती ने निष्कर्ष निकाला, स्पष्ट रूप से आदित्य चोपड़ा को इस बार एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक ठोस पटकथा से वंचित, प्रभावशाली उपचार से रहित और अपने मेगा सपने को बढ़ाए बना रखने के लिए किसी भी निर्देशनीय विश्वसनीयता की कमी मोहब्बतें किसी भी नवोदित फिल्म निर्माता के लिए एक सच्चा सबक है कि कैसे फिल्म बननी चाहिए। जी नेक्स्ट के विनय हागडे ने फिल्म की तीखी समीक्षा करते हुए इसे मूर्खतापूर्ण कहा और कहा कि खैर और सिंह पूरी तरह से बेकार थे। बात करें होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन Zee5 पर देख सकते हैं। मोहब्बतें 2000 में बनी हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे आदित्य चोपड़ा ने लिखा और निर्देशित किया है तथा यश चोपड़ा ने अपने बैनर यश राज फिल्म्स के तहत इसका निर्माण किया है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के अलावा उदय चोपड़ा, शमिता शेट्टी, जुगल हंसराज, किम शर्मा, जिमी शेरगिल और प्रीति जगियानी जैसे नए चेहरे हैं। यह गुरुकुल कॉलेज के सख्त प्रिंसिपल नारायण की कहानी है, जिसकी बेटी मेघा कॉलेज में संगीत शिक्षक राज के साथ उसके रिश्ते का विरोध करने के बाद आत्महत्या कर लेती है। कहानी में राज 3 गुरुकुल छात्रों और उनके प्रेम प्रसंगों के साथ मिलकर नारायण की प्रेम के प्रति असहिष्णुता के खिलाफ विरोध करता है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की तो अमिताभ बच्चन नारायण शंकर के रूप में मेघा के पिता और गुरुकुल के प्रिंसिपल, शाहरुख खान राज आर्यन मल्होत्रा के रूप में मेघा के प्रेमी और गुरुकुल में संगीत शिक्षक, ऐश्वर्या राय मेघा शंकर के रूप में नारायण की बेटी और राज की प्रेमिका, उदय चोपड़ा विक्रम विकी कपूर विक्रम ओबेरॉय नकली के रूप में इशिता के प्रेमी और गुरुकुल में एक शास्त्र, जुगल हंसराज शर्मा के रूप में संजना के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र, जिम्मी शेरगिल करण चौधरी के रूप में किरण के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र। बात करते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन की तो रोमांटिक ड्रामा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में निर्माण से पहले जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाली और सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्मों में से एक है। आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन की शुरुआत करने के लिए मोहब्बतें लिखना शुरू कर दिया था। चोपड़ा को लगा कि मोहब्बतें का विषय बहुत परिपक्व था, इसलिए उन्होंने निर्देशक के रूप में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को अपनी पहली फिल्म और मोहब्बतें को अपनी दूसरी फिल्म बनाया। अपनी अगली फिल्म में अलग थीम चाहते हुए उन्होंने मोहब्बतें को एक थ्रिलर के रूप में सोचा, लेकिन अपना विचार बदल दिया और एक और रोमांटिक फिल्म बनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, मुझे एहसास हुआ कि उस कहानी में कुछ ऐसा है जो मुझे उसकी ओर खींचता रहता है, इसलिए एक दिन मैंने अपनी थ्रिलर फाइल बंद कर दी और लापरवाही से अपनी मोहब्बतें फाइल उठा ली। उस एक साधारण एक्शन ने मेरे लिए दूसरी फिल्म तैयार कर ली। चोपड़ा ने दिल तो पागल है कि रिलीज के बाद मोहब्बतें लिखना शुरू किया। वे चाहते थे कि यह फिल्म रोमांटिक कहानियों से बढ़कर हो। हिंदी सिनेमा के विश्वकोश के अनुसार यह फिल्म 1999 की अमेरिकी आने वाली उम्र के नाटक डेट पोस्ट सोसाइटी से प्रेरित थी।
बात करते हैं इस फिल्म के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो 13 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने 93 करोड़ की कमाई की है। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की तो मोहब्बत को रिलीज होने पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसमें बच्चन और खान के अभिनय को सबसे अधिक प्रशंसा मिली। Rediff.com की सवेरा आर सोमेश्वर ने टिप्पणी की कि फिल्म बेशक एक गड़बड़ है, लेकिन यह एक सफल फील गुड फिल्म भी है। उन्होंने दोनों अभिनेताओं को दो स्तंभों के रूप में वर्णित किया जिन पर यह फिल्म बनी है, और हर बार जब वे आमने सामने आते हैं तो एक उम्मीद भरी खामोशी होती है। बॉलीवुड हंगामा के तरल आदर्श ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए। दोनों के बीच टकराव के दृश्यों को शानदार तरीके से संभालने के लिए आदित्य चोपड़ा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि निर्देशक अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर है। उन्होंने कहा, एक बार भी आपको ऐसा नहीं लगता कि चोपड़ा में लेखक किसी एक पक्ष की ओर झुका है। विनायक चक्रवर्ती ने निष्कर्ष निकाला, स्पष्ट रूप से आदित्य चोपड़ा को इस बार एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक ठोस पटकथा से वंचित, प्रभावशाली उपचार से रहित और अपने मेगा सपने को बनाए रखने के लिए किसी भी निर्देशनीय विश्वसनीयता की कमी मोहब्बतें किसी भी नवोदित फिल्म निर्माता के लिए एक सच्चा सबक है कि कैसे फिल्म बननी चाहिए। जी नेक्स्ट के विनय हागडे ने फिल्म की तीखी समीक्षा करते हुए इसे मूर्खतापूर्ण कहा और कहा कि खैर और सिंह पूरी तरह से बेकार थे। बात करें मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन Zee5 पर देख सकते हैं। मोहब्बतें 2000 में बनी हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे आदित्य चोपड़ा ने लिखा और निर्देशित किया है तथा यश चोपड़ा ने अपने बैनर यश राज फिल्म्स के तहत इसका निर्माण किया है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के अलावा उदय चोपड़ा, शमिता शेट्टी, जुगल हंसराज, किम शर्मा, जिमी शेरगिल और प्रीति जगियानी जैसे नए चेहरे है। यह गुरुकुल कॉलेज के सख्त प्रिंसिपल नारायण की कहानी है, जिसकी बेटी मेघा कॉलेज में संगीत शिक्षक राज के साथ उसके रिश्ते का विरोध करने के बाद आत्महत्या कर लेती है। कहानी में राज 3 गुरुकुल छात्रों और उनके प्रेम प्रसंगों के साथ मिलकर नारायण की प्रेम के प्रति असहिष्णुता के खिलाफ विरोध करता है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की तो अमिताभ बच्चन नारायण शंकर के रूप में मेघा के पिता और गुरुकुल के प्रिंसिपल, शाहरुख खान राज आर्यन मल्होत्रा के रूप में मेघा के प्रेमी और गुरुकुल में संगीत शिक्षक, ऐश्वर्या राय मेघा शंकर के रूप में नारायण की बेटी और राज की प्रेमिका, उदय चोपड़ा विक्रम विकी कपूर विक्रम ओबेरॉय नकली के रूप में इशिता के प्रेमी और गुरुकुल में एक शास्त्र, जुगल हंसराज शर्मा के रूप में संजना के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र, जिम्मी शेरगिल करण चौधरी के रूप में किरण के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र। बात करते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन की तो रोमांटिक ड्रामा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में निर्माण से पहले जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाली और सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्मों में से एक है। आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन की शुरुआत करने के लिए मोहब्बतें लिखना शुरू कर दिया था। चोपड़ा को लगा कि मोहब्बतें का विषय बहुत परिपक्व था, इसलिए उन्होंने निर्देशक के रूप में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को अपनी पहली फिल्म और मोहब्बतें को अपनी दूसरी फिल्म बनाया। अपनी अगली फिल्म में अलग थीम चाहते हुए उन्होंने मोहब्बतें को एक थ्रिलर के रूप में सोचा, लेकिन अपना विचार बदल दिया और एक और रोमांटिक फिल्म बनाने का फैसला किया।
उन्होंने कहा, मुझे एहसास हुआ कि उस कहानी में कुछ ऐसा है जो मुझे उसकी ओर खींचता रहता है। इसलिए एक दिन मैंने अपनी थ्रिलर फाइल बंद कर दी और लापरवाही से अपनी मोहब्बतें फाइल उठा ली। उस एक साधारण एक्शन ने मेरे लिए दूसरी फिल्म तैयार कर ली। चोपड़ा ने दिल तो पागल है कि रिलीज के बाद मोहब्बतें लिखना शुरू किया। वे चाहते थे कि यह फिल्म रोमांटिक कहानियों से बढ़कर हो। हिंदी सिनेमा के विश्वकोश के अनुसार यह फिल्म 1999 की अमेरिकी आने वाली उम्र के नाटक डेट पोएस्ट सोसाइटी से प्रेरित थी। बात करते इस फिल्म के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो 13 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने 93 करोड़ की कमाई की है। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की तो मोहब्बत को रिलीज होने पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसमें बच्चन और खान के अभिनय को सबसे अधिक प्रशंसा मिली। Rediff.com की सवेरा आर सोमेश्वर ने टिप्पणी की कि फिल्म बेशक एक गड़बड़ है, लेकिन यह एक सफल फील गुड फिल्म भी है। उन्होंने दोनों अभिनेताओं को दो स्तंभों के रूप में वर्णित किया जिन पर यह फिल्म बनी है, और हर बार जब वे आमने सामने आते हैं तो एक उम्मीद भरी खामोशी होती है। बॉलीवुड हंगामा के तरल आदर्श ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए। दोनों के बीच टकराव के दृश्यों को शानदार तरीके से संभालने के लिए आदित्य चोपड़ा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि निर्देशक अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर है। उन्होंने कहा, एक बार भी आपको ऐसा नहीं लगता कि चोपड़ा में लेखक किसी एक पक्ष की ओर झुका है। विनायक चक्रवर्ती ने निष्कर्ष निकाला, स्पष्ट रूप से आदित्य चोपड़ा को इस बार एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक ठोस पटकथा से वंचित, प्रभावशाली उपचार से रहित और अपने मेगा सपने को बढ़ाए बना रखने के लिए किसी भी निर्देशनीय विश्वसनीयता की कमी मोहब्बतें किसी भी नवोदित फिल्म निर्माता के लिए एक सच्चा सबक है कि कैसे फिल्म बननी चाहिए। जी नेक्स्ट के विनय हागडे ने फिल्म की तीखी समीक्षा करते हुए इसे मूर्खतापूर्ण कहा और कहा कि खैर और सिंह पूरी तरह से बेकार थे। बात करें होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन Zee5 पर देख सकते हैं। मोहब्बतें 2000 में बनी हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे आदित्य चोपड़ा ने लिखा और निर्देशित किया है तथा यश चोपड़ा ने अपने बैनर यश राज फिल्म्स के तहत इसका निर्माण किया है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के अलावा उदय चोपड़ा, शमिता शेट्टी, जुगल हंसराज, किम शर्मा, जिमी शेरगिल और प्रीति जगियानी जैसे नए चेहरे हैं। यह गुरुकुल कॉलेज के सख्त प्रिंसिपल नारायण की कहानी है, जिसकी बेटी मेघा कॉलेज में संगीत शिक्षक राज के साथ उसके रिश्ते का विरोध करने के बाद आत्महत्या कर लेती है। कहानी में राज 3 गुरुकुल छात्रों और उनके प्रेम प्रसंगों के साथ मिलकर नारायण की प्रेम के प्रति असहिष्णुता के खिलाफ विरोध करता है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की तो अमिताभ बच्चन नारायण शंकर के रूप में मेघा के पिता और गुरुकुल के प्रिंसिपल, शाहरुख खान राज आर्यन मल्होत्रा के रूप में मेघा के प्रेमी और गुरुकुल में संगीत शिक्षक, ऐश्वर्या राय मेघा शंकर के रूप में नारायण की बेटी और राज की प्रेमिका, उदय चोपड़ा विक्रम विकी कपूर विक्रम ओबेरॉय नकली के रूप में इशिता के प्रेमी और गुरुकुल में एक शास्त्र, जुगल हंसराज शर्मा के रूप में संजना के प्रेमी और गुरुकुल में एक शास्त्र, जिम्मी शेरगिल करण चौधरी के रूप में किरण के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र। बात करते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन की तो
रोमांटिक ड्रामा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में निर्माण से पहले जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाली और सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्मों में से एक है। आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन की शुरुआत करने के लिए मोहब्बतें लिखना शुरू कर दिया था। चोपड़ा को लगा कि मोहब्बतें का विषय बहुत परिपक्व था, इसलिए उन्होंने निर्देशक के रूप में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को अपनी पहली फिल्म और मोहब्बतें को अपनी दूसरी फिल्म बनाया। अपनी अगली फिल्म में अलग थीम चाहते हुए उन्होंने मोहब्बतें को एक थ्रिलर के रूप में सोचा, लेकिन अपना विचार बदल दिया और एक और रोमांटिक फिल्म बनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, मुझे एहसास हुआ कि उस कहानी में कुछ ऐसा है जो मुझे उसकी ओर खींचता रहता है। इसलिए एक दिन मैंने अपनी थ्रिलर फाइल बंद कर दी और लापरवाही से अपनी मोहब्बतें फाइल उठा ली। उस एक साधारण एक्शन ने मेरे लिए दूसरी फिल्म तैयार कर ली। चोपड़ा ने दिल तो पागल है कि रिलीज के बाद मोहब्बतें लिखना शुरू किया। वे चाहते थे कि यह फिल्म रोमांटिक कहानियों से बढ़कर हो। हिंदी सिनेमा के विश्वकोश के अनुसार यह फिल्म 1999 की अमेरिकी आने वाली उम्र के नाटक डेट पोस्ट सोसाइटी से प्रेरित थी। बात करते इस फिल्म के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो 13 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने 93 करोड़ की कमाई की है। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की तो मोहब्बत को रिलीज होने पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसमें बच्चन और खान के अभिनय को सबसे अधिक प्रशंसा मिली। Rediff.com की सवेरा आर सोमेश्वर ने टिप्पणी की कि फिल्म बेशक एक गड़बड़ है, लेकिन यह एक सफल फील गुड फिल्म भी है। उन्होंने दोनों अभिनेताओं को दो स्तंभों के रूप में वर्णित किया जिन पर यह फिल्म बनी है, और हर बार जब वे आमने सामने आते हैं तो एक उम्मीद भरी खामोशी होती है। बॉलीवुड हंगामा के तरह आदर्श ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए। दोनों के बीच टकराव के दृश्यों को शानदार तरीके से संभालने के लिए आदित्य चोपड़ा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि निर्देशक अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर है। उन्होंने कहा, एक बार भी आपको ऐसा नहीं लगता कि चोपड़ा में लेखक किसी एक पक्ष की ओर झुका है। विनायक चक्रवर्ती ने निष्कर्ष निकाला, स्पष्ट रूप से आदित्य चोपड़ा को इस बार एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक ठोस पटकथा से वंचित, प्रभावशाली उपचार से रहित और अपने मेगा सपने को बढ़ाए बनाए रखने के लिए किसी भी निर्देशनीय विश्वसनीयता की कमी मोहब्बतें किसी भी नवोदित फिल्म निर्माता के लिए एक सच्चा सबक है कि कैसे फिल्म बननी चाहिए। जी नेक्स्ट के विनय हागडे ने फिल्म की तीखी समीक्षा करते हुए इसे मूर्खतापूर्ण कहा और कहा कि खैर और सिंह पूरी तरह से बेकार थे। बात करें मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन Zee5 पर देख सकते हैं। मोहब्बतें 2000 में बनी हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे आदित्य चोपड़ा ने लिखा और निर्देशित किया है तथा यश चोपड़ा ने अपने बैनर यश राज फिल्म्स के तहत इसका निर्माण किया है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के अलावा उदय चोपड़ा, शमिता शेट्टी, जुगल हंसराज, किम शर्मा, जिमी शेरगिल और प्रीति जगियानी जैसे नए चेहरे हैं। यह गुरुकुल कॉलेज के सख्त प्रिंसिपल नारायण की कहानी है, जिसकी बेटी मेघा कॉलेज में संगीत शिक्षक राज के साथ उसके रिश्ते का विरोध करने के बाद आत्महत्या कर लेती है। कहानी में राज 3 गुरुकुल छात्रों और उनके प्रेम प्रसंगों के साथ मिलकर नारायण की प्रेम के प्रति असहिष्णुता के खिलाफ विरोध करता है।
बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की तो अमिताभ बच्चन नारायण शंकर के रूप में मेघा के पिता और गुरुकुल के प्रिंसिपल, शाहरुख खान राज आर्यन मल्होत्रा के रूप में मेघा के प्रेमी और गुरुकुल में संगीत शिक्षक, ऐश्वर्या राय मेघा शंकर के रूप में नारायण की बेटी और राज की प्रेमिका, उदय चोपड़ा विक्रम, विकी कपूर विक्रम ओबेरॉय नकली के रूप में इशिता के प्रेमी और गुरुकुल में एक शास्त्र, जुगल हंसराज शर्मा के रूप में संजना के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र, जिम्मी शेरगिल करण चौधरी के रूप में किरण के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र। बात करते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन की तो रोमांटिक ड्रामा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में निर्माण से पहले जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाली और सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्मों में से एक है। आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन की शुरुआत करने के लिए मोहब्बतें लिखना शुरू कर दिया था। चोपड़ा को लगा कि मोहब्बतें का विषय बहुत परिपक्व था, इसलिए उन्होंने निर्देशक के रूप में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को अपनी पहली फिल्म और मोहब्बतें को अपनी दूसरी फिल्म बनाया। अपनी अगली फिल्म में अलग थीम चाहते हुए उन्होंने मोहब्बतें को एक थ्रिलर के रूप में सोचा, लेकिन अपना विचार बदल दिया और एक और रोमांटिक फिल्म बनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, मुझे एहसास हुआ कि उस कहानी में कुछ ऐसा है जो मुझे उसकी ओर खींचता रहता है, इसलिए एक दिन मैंने अपनी थ्रिलर फाइल बंद कर दी और लापरवाही से अपनी मोहब्बतें फाइल उठा ली। उस एक साधारण एक्शन ने मेरे लिए दूसरी फिल्म तैयार कर ली। चोपड़ा ने दिल तो पागल है कि रिलीज के बाद मोहब्बतें लिखना शुरू किया। वे चाहते थे कि यह फिल्म रोमांटिक कहानियों से बढ़कर हो। हिंदी सिनेमा के विश्वकोश के अनुसार यह फिल्म 1999 की अमेरिकी आने वाली उम्र के नाटक डेट पोस्ट सोसाइटी से प्रेरित थी। बात करते हैं इस फिल्म के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो 13 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने 93 करोड़ की कमाई की है। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की तो मोहब्बतें को रिलीज होने पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसमें बच्चन और खान के अभिनय को सबसे अधिक प्रशंसा मिली। Rediff.com की सवेरा आर सोमेश्वर ने टिप्पणी की कि फिल्म बेशक एक गड़बड़ है, लेकिन यह एक सफल फील गुड फिल्म भी है। उन्होंने दोनों अभिनेताओं को दो स्तंभों के रूप में वर्णित किया जिन पर यह फिल्म बनी है, और हर बार जब वे आमने सामने आते हैं तो एक उम्मीद भरी खामोशी होती है। बॉलीवुड हंगामा के तरह आदर्श ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए। दोनों के बीच टकराव के दृश्यों को शानदार तरीके से संभालने के लिए आदित्य चोपड़ा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि निर्देशक अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर है। उन्होंने कहा, एक बार भी आपको ऐसा नहीं लगता कि चोपड़ा में लेखक किसी एक पक्ष की ओर झुका है। विनायक चक्रवर्ती ने निष्कर्ष निकाला, स्पष्ट रूप से आदित्य चोपड़ा को इस बार एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक ठोस पटकथा से वंचित, प्रभावशाली उपचार से रहित और अपने मेगा सपने को बनाए रखने के लिए किसी भी निर्देशनीय विश्वसनीयता की कमी मोहब्बतें किसी भी नवोदित फिल्म निर्माता के लिए एक सच्चा सबक है कि कैसे फिल्म बननी चाहिए। जी नेक्स्ट के विनय हागडे ने फिल्म की तीखी समीक्षा करते हुए इसे मूर्खतापूर्ण कहा और कहा कि खैर और सिंह पूरी तरह से बेकार थे। बात करें होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन Zee5 पर देख सकते हैं।
मोहब्बतें 2000 में बनी हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे आदित्य चोपड़ा ने लिखा और निर्देशित किया है तथा यश चोपड़ा ने अपने बैनर यश राज फिल्म्स के तहत इसका निर्माण किया है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के अलावा उदय चोपड़ा, शमिता शेट्टी, जुगल हंसराज, किम शर्मा, जिमी शेरगिल और प्रीति जगियानी जैसे नए चेहरे हैं। यह गुरुकुल कॉलेज के सख्त प्रिंसिपल नारायण की कहानी है, जिसकी बेटी मेघा कॉलेज में संगीत शिक्षक राज के साथ उसके रिश्ते का विरोध करने के बाद आत्महत्या कर लेती है। कहानी में राज तीन गुरुकुल छात्रों और उनके प्रेम प्रसंगों के साथ मिलकर नारायण की प्रेम के प्रति असहिष्णुता के खिलाफ विरोध करता है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की, तो अमिताभ बच्चन नारायण शंकर के रूप में मेघा के पिता और गुरुकुल के प्रिंसिपल, शाहरुख खान राज आर्यन मल्होत्रा के रूप में मेघा के प्रेमी और गुरुकुल में संगीत शिक्षक, ऐश्वर्या राय मेघा शंकर के रूप में नारायण की बेटी और राज की प्रेमिका, उदय चोपड़ा विक्रम विकी कपूर विक्रम ओबेरॉय नकली के रूप में इशिता के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र, जुगल हंसराज शर्मा के रूप में संजना के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र, जिम्मी शेरगिल करण चौधरी के रूप में किरण के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र। बात करते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन की, तो रोमांटिक ड्रामा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में निर्माण से पहले जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाली और सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्मों में से एक है। आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन की शुरुआत करने के लिए मोहब्बतें लिखना शुरू कर दिया था। चोपड़ा को लगा कि मोहब्बतें का विषय बहुत परिपक्व था, इसलिए उन्होंने निर्देशक के रूप में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को अपनी पहली फिल्म और मोहब्बतें को अपनी दूसरी फिल्म बनाया। अपनी अगली फिल्म में अलग थीम चाहते हुए उन्होंने मोहब्बतें को एक थ्रिलर के रूप में सोचा, लेकिन अपना विचार बदल दिया और एक और रोमांटिक फिल्म बनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, मुझे एहसास हुआ कि उस कहानी में कुछ ऐसा है जो मुझे उसकी ओर खींचता रहता है, इसलिए एक दिन मैंने अपनी थ्रिलर फाइल बंद कर दी और लापरवाही से अपनी मोहब्बतें फाइल उठा ली। उस एक साधारण एक्शन ने मेरे लिए दूसरी फिल्म तैयार कर ली। चोपड़ा ने दिल तो पागल है कि रिलीज के बाद मोहब्बतें लिखना शुरू किया। वे चाहते थे कि यह फिल्म रोमांटिक कहानियों से बढ़कर हो। हिंदी सिनेमा के विश्वकोश के अनुसार यह फिल्म 1999 की अमेरिकी आने वाली उम्र के नाटक डेट पोस्ट सोसाइटी से प्रेरित थी। बात करते हैं इस फिल्म के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो 13 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने 93 करोड़ की कमाई की है। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की, तो मोहब्बत को रिलीज होने पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसमें बच्चन और खान के अभिनय को सबसे अधिक प्रशंसा मिली। Rediff.com की सवेरा आर सोमेश्वर ने टिप्पणी की कि फिल्म बेशक एक गड़बड़ है, लेकिन यह एक सफल फील गुड फिल्म भी है। उन्होंने दोनों अभिनेताओं को दो स्तंभों के रूप में वर्णित किया जिन पर यह फिल्म बनी है, और हर बार जब वे आमने सामने आते हैं तो एक उम्मीद भरी खामोशी होती है। बॉलीवुड हंगामा के तरह आदर्श ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए। दोनों के बीच टकराव के दृश्यों को शानदार तरीके से संभालने के लिए आदित्य चोपड़ा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि निर्देशक अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर है। उन्होंने कहा, एक बार भी आपको ऐसा नहीं लगता कि चोपड़ा में लेखक किसी एक पक्ष की ओर झुका है। विनायक चक्रवर्ती ने निष्कर्ष निकाला, स्पष्ट रूप से आदित्य चोपड़ा को इस बार एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
एक ठोस पटकथा से वंचित, प्रभावशाली उपचार से रहित और अपने मेगा सपने को बढ़ाए बना रखने के लिए किसी भी निर्देशनीय विश्वसनीयता की कमी मोहब्बतें किसी भी नवोदित फिल्म निर्माता के लिए एक सच्चा सबक है कि कैसे फिल्म बननी चाहिए। जी नेक्स्ट के विनय हागडे ने फिल्म की तीखी समीक्षा करते हुए इसे मूर्खतापूर्ण कहा और कहा कि खैर और सिंह पूरी तरह से बेकार थे। बात करें मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन जी फाइव पर देख सकते हैं। मोहब्बतें 2000 में बनी हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे आदित्य चोपड़ा ने लिखा और निर्देशित किया है तथा यश चोपड़ा ने अपने बैनर यश राज फिल्म्स के तहत इसका निर्माण किया है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के अलावा उदय चोपड़ा, शमिता शेट्टी, जुगल हंसराज, किम शर्मा, जिमी शेरगिल और प्रीति जगियानी जैसे नए चेहरे हैं। यह गुरुकुल कॉलेज के सख्त प्रिंसिपल नारायण की कहानी है जिसकी बेटी मेघा कॉलेज में संगीत शिक्षक राज के साथ उसके रिश्ते का विरोध करने के बाद आत्महत्या कर लेती है। कहानी में राज तीन गुरुकुल छात्रों और उनके प्रेम प्रसंगों के साथ मिलकर नारायण की प्रेम के प्रति असहिष्णुता के खिलाफ विरोध करता है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की तो अमिताभ बच्चन नारायण शंकर के रूप में मेघा के पिता और गुरुकुल के प्रिंसिपल, शाहरुख खान राज आर्यन मल्होत्रा के रूप में मेघा के प्रेमी और गुरुकुल में संगीत शिक्षक, ऐश्वर्या राय मेघा शंकर के रूप में नारायण की बेटी और राज की प्रेमिका, उदय चोपड़ा विक्रम विकी कपूर विक्रम ओबेरॉय नकली के रूप में इशिता के प्रेमी और गुरुकुल में एक शास्त्र, जुगल हंसराज शर्मा के रूप में संजना के प्रेमी और गुरुकुल में एक शास्त्र, जिम्मी शेरगिल करण चौधरी के रूप में किरण के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र। बात करते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन की तो रोमांटिक ड्रामा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में निर्माण से पहले जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाली और सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्मों में से एक है। आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन की शुरुआत करने के लिए मोहब्बतें लिखना शुरू कर दिया था। चोपड़ा को लगा कि मोहब्बतें का विषय बहुत परिपक्व था, इसलिए उन्होंने निर्देशक के रूप में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को अपनी पहली फिल्म और मोहब्बतें को अपनी दूसरी फिल्म बनाया। अपनी अगली फिल्म में अलग थीम चाहते हुए उन्होंने मोहब्बतें को एक थ्रिलर के रूप में सोचा, लेकिन अपना विचार बदल दिया और एक और रोमांटिक फिल्म बनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, मुझे एहसास हुआ कि उस कहानी में कुछ ऐसा है जो मुझे उसकी ओर खींचता रहता है, इसलिए एक दिन मैंने अपनी थ्रिलर फाइल बंद कर दी और लापरवाही से अपनी मोहब्बत फाइल उठा ली। उस एक साधारण एक्शन ने मेरे लिए दूसरी फिल्म तैयार कर ली। चोपड़ा ने दिल तो पागल है कि रिलीज के बाद मोहब्बतें लिखना शुरू किया। वे चाहते थे कि यह फिल्म रोमांटिक कहानियों से बढ़कर हो। हिंदी सिनेमा के विश्वकोश के अनुसार यह फिल्म 1999 की अमेरिकी आने वाली उम्र के नाटक डेट पोस्ट सोसाइटी से प्रेरित थी। बात करते हैं इस फिल्म के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो 13 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने 93 करोड़ की कमाई की है। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की तो मोहब्बतें को रिलीज होने पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसमें बच्चन और खान के अभिनय को सबसे अधिक प्रशंसा मिली। Rediff.com की सवेरा आर सोमेश्वर ने टिप्पणी की कि फिल्म बेशक एक गड़बड़ है, लेकिन यह एक सफल फील गुड फिल्म भी है। उन्होंने दोनों अभिनेताओं को दो स्तंभों के रूप में वर्णित किया।
जिन पर यह फिल्म बनी है और हर बार जब वे आमने सामने आते हैं तो एक उम्मीद भरी खामोशी होती है। बॉलीवुड हंगामा के तरल आदर्श ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए। दोनों के बीच टकराव के दृश्यों को शानदार तरीके से संभालने के लिए आदित्य चोपड़ा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि निर्देशक अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर है। उन्होंने कहा, एक बार भी आपको ऐसा नहीं लगता कि चोपड़ा में लेखक किसी एक पक्ष की ओर झुका है। विनायक चक्रवर्ती ने निष्कर्ष निकाला, स्पष्ट रूप से आदित्य चोपड़ा को इस बार एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक ठोस पटकथा से वंचित, प्रभावशाली उपचार से रहित और अपने मेगा सपने को बढ़ाए बना रखने के लिए किसी भी निर्देशनीय विश्वसनीयता की कमी मोहब्बतें किसी भी नवोदित फिल्म निर्माता के लिए एक सच्चा सबक है कि कैसे फिल्म बननी चाहिए। जी नेक्स्ट के विनय हागडे ने फिल्म की तीखी समीक्षा करते हुए इसे मूर्खतापूर्ण कहा और कहा कि खैर और सिंह पूरी तरह से बेकार थे। बात करें होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन Zee5 पर देख सकते हैं। मोहब्बतें 2000 में बनी हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे आदित्य चोपड़ा ने लिखा और निर्देशित किया है तथा यश चोपड़ा ने अपने बैनर यश राज फिल्म्स के तहत इसका निर्माण किया है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के अलावा उदय चोपड़ा, शमिता शेट्टी, जुगल हंसराज, किम शर्मा, जिमी शेरगिल और प्रीति जगियानी जैसे नए चेहरे हैं। यह गुरुकुल कॉलेज के सख्त प्रिंसिपल नारायण की कहानी है जिसकी बेटी मेघा कॉलेज में संगीत शिक्षक राज के साथ उसके रिश्ते का विरोध करने के बाद आत्महत्या कर लेती है। कहानी में राज 3 गुरुकुल छात्रों और उनके प्रेम प्रसंगों के साथ मिलकर नारायण की प्रेम के प्रति असहिष्णुता के खिलाफ विरोध करता है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की तो अमिताभ बच्चन नारायण शंकर के रूप में मेघा के पिता और गुरुकुल के प्रिंसिपल, शाहरुख खान राज आर्यन मल्होत्रा के रूप में मेघा के प्रेमी और गुरुकुल में संगीत शिक्षक, ऐश्वर्या राय मेघा शंकर के रूप में नारायण की बेटी और राज की प्रेमिका, उदय चोपड़ा विक्रम विकी कपूर विक्रम ओबेरॉय नकली के रूप में इशिता के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र, जुगल हंसराज शर्मा के रूप में संजना के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र, जिम्मी शेरगिल करण चौधरी के रूप में किरण के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र। बात करते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन की तो रोमांटिक ड्रामा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में निर्माण से पहले जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाली और सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्मों में से एक है। आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन की शुरुआत करने के लिए मोहब्बतें लिखना शुरू कर दिया था। चोपड़ा को लगा कि मोहब्बतें का विषय बहुत परिपक्व था, इसलिए उन्होंने निर्देशक के रूप में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को अपनी पहली फिल्म और मोहब्बतें को अपनी दूसरी फिल्म बनाया। अपनी अगली फिल्म में अलग थीम चाहते हुए उन्होंने मोहब्बतें को एक थ्रिलर के रूप में सोचा, लेकिन अपना विचार बदल दिया और एक और रोमांटिक फिल्म बनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, मुझे एहसास हुआ कि उस कहानी में कुछ ऐसा है जो मुझे उसकी ओर खींचता रहता है, इसलिए एक दिन मैंने अपनी थ्रिलर फाइल बंद कर दी और लापरवाही से अपनी मोहब्बतें फाइल उठा ली। उस एक साधारण एक्शन ने मेरे लिए दूसरी फिल्म तैयार कर ली। चोपड़ा ने दिल तो पागल है कि रिलीज के बाद मोहब्बतें लिखना शुरू किया। वे चाहते थे कि यह फिल्म रोमांटिक कहानियों से बढ़कर हो। हिंदी सिनेमा के विश्वकोश के अनुसार यह फिल्म 1999 की
अमेरिकी आने वाले उम्र के नाटक डेट पोएस्ट सोसाइटी से प्रेरित थी। बात करते हैं इस फिल्म के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो 13 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने 93 करोड़ की कमाई की है। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की तो मोहब्बत को रिलीज होने पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसमें बच्चन और खान के अभिनय को सबसे अधिक प्रशंसा मिली। Rediff.com की सवेरा आर सोमेश्वर ने टिप्पणी की कि फिल्म बेशक एक गड़बड़ है, लेकिन यह एक सफल फील गुड फिल्म भी है। उन्होंने दोनों अभिनेताओं को दो स्तंभों के रूप में वर्णित किया जिन पर यह फिल्म बनी है, और हर बार जब वे आमने सामने आते हैं तो एक उम्मीद भरी खामोशी होती है। बॉलीवुड हंगामा के तरल आदर्श ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए। दोनों के बीच टकराव के दृश्यों को शानदार तरीके से संभालने के लिए आदित्य चोपड़ा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि निर्देशक अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर है। उन्होंने कहा, एक बार भी आपको ऐसा नहीं लगता कि चोपड़ा में लेखक किसी एक पक्ष की ओर झुका है। विनायक चक्रवर्ती ने निष्कर्ष निकाला, स्पष्ट रूप से आदित्य चोपड़ा को इस बार एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक ठोस पटकथा से वंचित, प्रभावशाली उपचार से रहित और अपने मेगा सपने को बनाए रखने के लिए किसी भी निर्देशनीय विश्वसनीयता की कमी मोहब्बतें किसी भी नवोदित फिल्म निर्माता के लिए एक सच्चा सबक है कि कैसे फिल्म बननी चाहिए। जी नेक्स्ट के विनय हागडे ने फिल्म की तीखी समीक्षा करते हुए इसे मूर्खतापूर्ण कहा और कहा कि खैर और सिंह पूरी तरह से बेकार थे। बात करें मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन Zee5 पर देख सकते हैं। मोहब्बतें 2000 में बनी हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे आदित्य चोपड़ा ने लिखा और निर्देशित किया है तथा यश चोपड़ा ने अपने बैनर यश राज फिल्म्स के तहत इसका निर्माण किया है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के अलावा उदय चोपड़ा, शमिता शेट्टी, जुगल हंसराज, किम शर्मा, जिमी शेरगिल और प्रीति जगियानी जैसे नए चेहरे हैं। यह गुरुकुल कॉलेज के सख्त प्रिंसिपल नारायण की कहानी है, जिसकी बेटी मेघा कॉलेज में संगीत शिक्षक राज के साथ उसके रिश्ते का विरोध करने के बाद आत्महत्या कर लेती है। कहानी में राज 3 गुरुकुल छात्रों और उनके प्रेम प्रसंगों के साथ मिलकर नारायण की प्रेम के प्रति असहिष्णुता के खिलाफ विरोध करता है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की तो अमिताभ बच्चन नारायण शंकर के रूप में मेघा के पिता और गुरुकुल के प्रिंसिपल, शाहरुख खान राज आर्यन मल्होत्रा के रूप में मेघा के प्रेमी और गुरुकुल में संगीत शिक्षक, ऐश्वर्या राय मेघा शंकर के रूप में नारायण की बेटी और राज की प्रेमिका, उदय चोपड़ा विक्रम, विकी कपूर विक्रम ओबेरॉय नकली के रूप में इशिता के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र, जुगल हंसराज शर्मा के रूप में संजना के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र, जिम्मी शेरगिल करण चौधरी के रूप में किरण के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र। बात करते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन की तो रोमांटिक ड्रामा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में निर्माण से पहले जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाली और सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्मों में से एक है। आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन की शुरुआत करने के लिए मोहब्बतें लिखना शुरू कर दिया था। चोपड़ा को लगा कि मोहब्बतें का विषय बहुत परिपक्व था, इसलिए उन्होंने निर्देशक के रूप में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को अपनी पहली फिल्म और मोहब्बतें को अपनी दूसरी फिल्म बनाया। अपनी अगली फिल्म में अलग थीम चाहते हुए
उन्होंने मोहब्बते को एक थ्रिलर के रूप में सोचा, लेकिन अपना विचार बदल दिया और एक और रोमांटिक फिल्म बनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, मुझे एहसास हुआ कि उस कहानी में कुछ ऐसा है जो मुझे उसकी ओर खींचता रहता है। इसलिए एक दिन मैंने अपनी थ्रिलर फाइल बंद कर दी और लापरवाही से अपनी मोहब्बते फाइल उठा ली। उस एक साधारण एक्शन ने मेरे लिए दूसरी फिल्म तर कर ली। चोपड़ा ने दिल तो पागल है कि रिलीज के बाद मोहब्बतें लिखना शुरू किया। वे चाहते थे कि यह फिल्म रोमांटिक कहानियों से बढ़कर हो। हिंदी सिनेमा के विश्वकोश के अनुसार यह फिल्म 1999 की अमेरिकी आने वाली उम्र के नाटक डेट पोएस्ट सोसाइटी से प्रेरित थी। बात करते हैं इस फिल्म के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो 13 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने 93 करोड़ की कमाई की है। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की, तो मोहब्बत को रिलीज होने पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसमें बच्चन और खान के अभिनय को सबसे अधिक प्रशंसा मिली। Rediff.com की सवेरा आर सोमेश्वर ने टिप्पणी की कि फिल्म बेशक एक गड़बड़ है, लेकिन यह एक सफल फील गुड फिल्म भी है। उन्होंने दोनों अभिनेताओं को दो स्तंभों के रूप में वर्णित किया जिन पर यह फिल्म बनी है, और हर बार जब वे आमने सामने आते हैं तो एक उम्मीद भरी खामोशी होती है। बॉलीवुड हंगामा के तरल आदर्श ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए। दोनों के बीच टकराव के दृश्यों को शानदार तरीके से संभालने के लिए आदित्य चोपड़ा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि निर्देशक अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर है। उन्होंने कहा, एक बार भी आपको ऐसा नहीं लगता कि चोपड़ा में लेखक किसी एक पक्ष की ओर झुका है। विनायक चक्रवर्ती ने निष्कर्ष निकाला, स्पष्ट रूप से आदित्य चोपड़ा को इस बार एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक ठोस पटकथा से वंचित, प्रभावशाली उपचार से रहित और अपने मेगा सपने को बढ़ाए बना रखने के लिए किसी भी निर्देशनीय विश्वसनीयता की कमी मोहब्बतें किसी भी नवोदित फिल्म निर्माता के लिए एक सच्चा सबक है कि कैसे फिल्म बननी चाहिए। जी नेक्स्ट के विनय हागडे ने फिल्म की तीखी समीक्षा करते हुए इसे मूर्खतापूर्ण कहा और कहा कि खैर और सिंह पूरी तरह से बेकार थे। बात करें होम मीडिया की, तो इस मूवी को आप ऑनलाइन Zee5 पर देख सकते हैं। मोहब्बतें 2000 में बनी हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे आदित्य चोपड़ा ने लिखा और निर्देशित किया है तथा यश चोपड़ा ने अपने बैनर यश राज फिल्म्स के तहत इसका निर्माण किया है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के अलावा उदय चोपड़ा, शमिता शेट्टी, जुगल हंसराज, किम शर्मा, जिमी शेरगिल और प्रीति जगियानी जैसे नए चेहरे हैं। यह गुरुकुल कॉलेज के सख्त प्रिंसिपल नारायण की कहानी है, जिसकी बेटी मेघा कॉलेज में संगीत शिक्षक राज के साथ उसके रिश्ते का विरोध करने के बाद आत्महत्या कर लेती है। कहानी में राज 3 गुरुकुल छात्रों और उनके प्रेम प्रसंगों के साथ मिलकर नारायण की प्रेम के प्रति असहिष्णुता के खिलाफ विरोध करता है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की, तो अमिताभ बच्चन नारायण शंकर के रूप में मेघा के पिता और गुरुकुल के प्रिंसिपल, शाहरुख खान राज आर्यन मल्होत्रा के रूप में मेघा के प्रेमी और गुरुकुल में संगीत शिक्षक, ऐश्वर्या राय मेघा शंकर के रूप में नारायण की बेटी और राज की प्रेमिका, उदय चोपड़ा विक्रम विकी कपूर विक्रम ओबेरॉय नकली के रूप में इशिता के प्रेमी और गुरुकुल में एक शास्त्र, जुगल हंसराज शर्मा के रूप में संजना के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र,
जिम्मी शेरगिल करण चौधरी के रूप में किरण के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र। बात करते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन की तो रोमांटिक ड्रामा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में निर्माण से पहले जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाली और सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्मों में से एक है। आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन की शुरुआत करने के लिए मोहब्बतें लिखना शुरू कर दिया था। चोपड़ा को लगा कि मोहब्बतें का विषय बहुत परिपक्व था, इसलिए उन्होंने निर्देशक के रूप में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को अपनी पहली फिल्म और मोहब्बतें को अपनी दूसरी फिल्म बनाया। अपनी अगली फिल्म में अलग थीम चाहते हुए उन्होंने मोहब्बतें को एक थ्रिलर के रूप में सोचा, लेकिन अपना विचार बदल दिया और एक और रोमांटिक फिल्म बनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, मुझे एहसास हुआ कि उस कहानी में कुछ ऐसा है जो मुझे उसकी ओर खींचता रहता है। इसलिए एक दिन मैंने अपनी थ्रिलर फाइल बंद कर दी और लापरवाही से अपनी मोहब्बतें फाइल उठा ली। उस एक साधारण एक्शन ने मेरे लिए दूसरी फिल्म तैयार कर ली। चोपड़ा ने दिल तो पागल है कि रिलीज के बाद मोहब्बतें लिखना शुरू किया। वे चाहते थे कि यह फिल्म रोमांटिक कहानियों से बढ़कर हो। हिंदी सिनेमा के विश्वकोश के अनुसार यह फिल्म 1999 की अमेरिकी आने वाली उम्र के नाटक डेट पोस्ट सोसाइटी से प्रेरित थी। बात करते इस फिल्म के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो 13 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने 93 करोड़ की कमाई की है। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की तो मोहब्बत को रिलीज होने पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसमें बच्चन और खान के अभिनय को सबसे अधिक प्रशंसा मिली। Rediff.com की सवेरा आर सोमेश्वर ने टिप्पणी की कि फिल्म बेशक एक गड़बड़ है, लेकिन यह एक सफल फील गुड फिल्म भी है। उन्होंने दोनों अभिनेताओं को दो स्तंभों के रूप में वर्णित किया जिन पर यह फिल्म बनी है, और हर बार जब वे आमने सामने आते हैं तो एक उम्मीद भरी खामोशी होती है। बॉलीवुड हंगामा के तरह आदर्श ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए। दोनों के बीच टकराव के दृश्यों को शानदार तरीके से संभालने के लिए आदित्य चोपड़ा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि निर्देशक अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर है। उन्होंने कहा, एक बार भी आपको ऐसा नहीं लगता कि चोपड़ा में लेखक किसी एक पक्ष की ओर झुका है। विनायक चक्रवर्ती ने निष्कर्ष निकाला, स्पष्ट रूप से आदित्य चोपड़ा को इस बार एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक ठोस पटकथा से वंचित, प्रभावशाली उपचार से रहित और अपने मेगा सपने को बढ़ाए बना रखने के लिए किसी भी निर्देशनीय विश्वसनीयता की कमी मोहब्बतें किसी भी नवोदित फिल्म निर्माता के लिए एक सच्चा सबक है कि कैसे फिल्म बननी चाहिए। जी नेक्स्ट के विनय हागडे ने फिल्म की तीखी समीक्षा करते हुए इसे मूर्खतापूर्ण कहा और कहा कि खैर और सिंह पूरी तरह से बेकार थे। बात करें होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन Zee5 पर देख सकते हैं। मोहब्बतें 2000 में बनी हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे आदित्य चोपड़ा ने लिखा और निर्देशित किया है तथा यश चोपड़ा ने अपने बैनर यश राज फिल्म्स के तहत इसका निर्माण किया है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के अलावा उदय चोपड़ा, शमिता शेट्टी, जुगल हंसराज, किम शर्मा, जिमी शेरगिल और प्रीति जगियानी जैसे नए चेहरे हैं। यह गुरुकुल कॉलेज के सख्त प्रिंसिपल नारायण की कहानी है, जिसकी बेटी मेघा कॉलेज में संगीत शिक्षक राज के साथ उसके रिश्ते का विरोध करने के बाद आत्महत्या कर लेती है। कहानी में राज 3 गुरुकुल
पुत्रों और उनके प्रेम प्रसंगों के साथ मिलकर नारायण की प्रेम के प्रति असहिष्णुता के खिलाफ विरोध करता है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की, तो अमिताभ बच्चन नारायण शंकर के रूप में, मेघा के पिता और गुरुकुल के प्रिंसिपल, शाहरुख खान राज आर्यन मल्होत्रा के रूप में मेघा के प्रेमी और गुरुकुल में संगीत शिक्षक, ऐश्वर्या राय मेघा शंकर के रूप में नारायण की बेटी और राज की प्रेमिका, उदय चोपड़ा विक्रम, विकी कपूर विक्रम ओबेरॉय नकली के रूप में इशिता के प्रेमी और गुरुकुल में एक शास्त्र, जुगल हंसराज शर्मा के रूप में संजना के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र, जिम्मी शेरगिल करण चौधरी के रूप में किरण के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र। बात करते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन की, तो रोमांटिक ड्रामा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में निर्माण से पहले जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाली और सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्मों में से एक है। आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन की शुरुआत करने के लिए मोहब्बतें लिखना शुरू कर दिया था। चोपड़ा को लगा कि मोहब्बतें का विषय बहुत परिपक्व था, इसलिए उन्होंने निर्देशक के रूप में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को अपनी पहली फिल्म और मोहब्बतें को अपनी दूसरी फिल्म बनाया। अपनी अगली फिल्म में अलग थीम चाहते हुए उन्होंने मोहब्बतें को एक थ्रिलर के रूप में सोचा, लेकिन अपना विचार बदल दिया और एक और रोमांटिक फिल्म बनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, मुझे एहसास हुआ कि उस कहानी में कुछ ऐसा है जो मुझे उसकी ओर खींचता रहता है, इसलिए एक दिन मैंने अपनी थ्रिलर फाइल बंद कर दी और लापरवाही से अपनी मोहब्बतें फाइल उठा ली। उस एक साधारण एक्शन ने मेरे लिए दूसरी फिल्म तैयार कर ली। चोपड़ा ने दिल तो पागल है कि रिलीज के बाद मोहब्बतें लिखना शुरू किया। वे चाहते थे कि यह फिल्म रोमांटिक कहानियों से बढ़कर हो। हिंदी सिनेमा के विश्वकोश के अनुसार यह फिल्म 1999 की अमेरिकी आने वाली उम्र के नाटक डेट पोस्ट सोसाइटी से प्रेरित थी। बात करते हैं इस फिल्म के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो 13 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने 93 करोड़ की कमाई की है। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की, तो मोहब्बतें को रिलीज होने पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसमें बच्चन और खान के अभिनय को सबसे अधिक प्रशंसा मिली। Rediff.com की सवेरा आर सोमेश्वर ने टिप्पणी की कि फिल्म बेशक एक गड़बड़ है, लेकिन यह एक सफल फील गुड फिल्म भी है। उन्होंने दोनों अभिनेताओं को दो स्तंभों के रूप में वर्णित किया जिन पर यह फिल्म बनी है, और हर बार जब वे आमने सामने आते हैं तो एक उम्मीद भरी खामोशी होती है। बॉलीवुड हंगामा के तरल आदर्श ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए। दोनों के बीच टकराव के दृश्यों को शानदार तरीके से संभालने के लिए आदित्य चोपड़ा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि निर्देशक अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर है। उन्होंने कहा, एक बार भी आपको ऐसा नहीं लगता कि चोपड़ा में लेखक किसी एक पक्ष की ओर झुका है। विनायक चक्रवर्ती ने निष्कर्ष निकाला, स्पष्ट रूप से आदित्य चोपड़ा को इस बार एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक ठोस पटकथा से वंचित, प्रभावशाली उपचार से रहित और अपने मेगा सपने को बनाए रखने के लिए किसी भी निर्देशनीय विश्वसनीयता की कमी मोहब्बतें किसी भी नवोदित फिल्म निर्माता के लिए एक सच्चा सबक है कि कैसे फिल्म बननी चाहिए। जी नेक्स्ट के विनय हागडे ने फिल्म की तीखी समीक्षा करते हुए इसे मूर्खतापूर्ण कहा और कहा कि खेर और सिंह पूरी तरह से बेकार थे।
बात करें होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन जी फाइव पर देख सकते हैं। मोहब्बतें 2000 में बनी हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे आदित्य चोपड़ा ने लिखा और निर्देशित किया है तथा यश चोपड़ा ने अपने बैनर यश राज फिल्म्स के तहत इसका निर्माण किया है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के अलावा उदय चोपड़ा, शमिता शेट्टी, जुगल हंसराज, किम शर्मा, जिमी शेरगिल और प्रीति जगियानी जैसे नए चेहरे हैं। यह गुरुकुल कॉलेज के शख्स प्रिंसिपल नारायण की कहानी है, जिसकी बेटी मेघा कॉलेज में संगीत शिक्षक राज के साथ उसके रिश्ते का विरोध करने के बाद आत्महत्या कर लेती है। कहानी में राज तीन गुरुकुल छात्रों और उनके प्रेम प्रसंगों के साथ मिलकर नारायण की प्रेम के प्रति असहिष्णुता के खिलाफ विरोध करता है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की तो अमिताभ बच्चन नारायण शंकर के रूप में मेघा के पिता और गुरुकुल के प्रिंसिपल, शाहरुख खान राज आर्यन मल्होत्रा के रूप में मेघा के प्रेमी और गुरुकुल में संगीत शिक्षक, ऐश्वर्या राय मेघा शंकर के रूप में नारायण की बेटी और राज की प्रेमिका, उदय चोपड़ा विक्रम विकी कपूर विक्रम ओबेरॉय नकली के रूप में इशिता के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र, जुगल हंसराज शर्मा के रूप में संजना के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र, जिम्मी शेरगिल करण चौधरी के रूप में किरण के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र। बात करते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन की तो रोमांटिक ड्रामा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में निर्माण से पहले जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाली और सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्मों में से एक है। आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन की शुरुआत करने के लिए मोहब्बतें लिखना शुरू कर दिया था। चोपड़ा को लगा कि मोहब्बतें का विषय बहुत परिपक्व था, इसलिए उन्होंने निर्देशक के रूप में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को अपनी पहली फिल्म और मोहब्बतें को अपनी दूसरी फिल्म बनाया। अपनी अगली फिल्म में अलग थीम चाहते हुए उन्होंने मोहब्बतें को एक थ्रिलर के रूप में सोचा, लेकिन अपना विचार बदल दिया और एक और रोमांटिक फिल्म बनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, मुझे एहसास हुआ कि उस कहानी में कुछ ऐसा है जो मुझे उसकी ओर खींचता रहता है, इसलिए एक दिन मैंने अपनी थ्रिलर फाइल बंद कर दी और लापरवाही से अपनी मोहब्बतें फाइल उठा ली। उस एक साधारण एक्शन ने मेरे लिए दूसरी फिल्म तैयार कर ली। चोपड़ा ने दिल तो पागल है कि रिलीज के बाद मोहब्बतें लिखना शुरू किया। वे चाहते थे कि यह फिल्म रोमांटिक कहानियों से बढ़कर हो। हिंदी सिनेमा के विश्वकोश के अनुसार यह फिल्म 1999 की अमेरिकी आने वाली उम्र के नाटक डेट पोस्ट सोसाइटी से प्रेरित थी। बात करते हैं इस फिल्म के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो 13 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने 93 करोड़ की कमाई की है। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की तो मोहब्बतें को रिलीज होने पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसमें बच्चन और खान के अभिनय को सबसे अधिक प्रशंसा मिली। Rediff.com की सवेरा आर सोमेश्वर ने टिप्पणी की कि फिल्म बेशक एक गड़बड़ है, लेकिन यह एक सफल फील गुड फिल्म भी है। उन्होंने दोनों अभिनेताओं को दो स्तंभों के रूप में वर्णित किया जिन पर यह फिल्म बनी है, और हर बार जब वे आमने सामने आते हैं तो एक उम्मीद भरी खामोशी होती है। बॉलीवुड हंगामा के तरह आदर्श ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए। दोनों के बीच टकराव के दृश्यों को शानदार तरीके से संभालने के लिए आदित्य चोपड़ा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि निर्देशक अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर है। उन्होंने कहा, एक बार भी आपको ऐसा नहीं लगता कि चोपड़ा में लेखक किसी एक पक्ष की ओर झुका है। विनायक चक्रवर्ती ने
निष्कर्ष निकाला। स्पष्ट रूप से आदित्य चोपड़ा को इस बार एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक ठोस पटकथा से वंचित, प्रभावशाली उपचार से रहित और अपने मेगा सपने को बढ़ाए बनाए रखने के लिए किसी भी निर्देशनीय विश्वसनीयता की कमी, मोहब्बतें किसी भी नवोदित फिल्म निर्माता के लिए एक सच्चा सबक है कि कैसे फिल्म बननी चाहिए। जी नेक्स्ट के विनय हागडे ने फिल्म की तीखी समीक्षा करते हुए इसे मूर्खतापूर्ण कहा और कहा कि खैर और सिंह पूरी तरह से बेकार थे। बात करें मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन Zee5 पर देख सकते हैं। मोहब्बतें 2000 में बनी हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे आदित्य चोपड़ा ने लिखा और निर्देशित किया है तथा यश चोपड़ा ने अपने बैनर यश राज फिल्म्स के तहत इसका निर्माण किया है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के अलावा उदय चोपड़ा, शमिता शेट्टी, जुगल हंसराज, किम शर्मा, जिमी शेरगिल और प्रीति जगियानी जैसे नए चेहरे हैं। यह गुरुकुल कॉलेज के सख्त प्रिंसिपल नारायण की कहानी है जिसकी बेटी मेघा कॉलेज में संगीत शिक्षक राज के साथ उसके रिश्ते का विरोध करने के बाद आत्महत्या कर लेती है। कहानी में राज तीन गुरुकुल छात्रों और उनके प्रेम प्रसंगों के साथ मिलकर नारायण की प्रेम के प्रति असहिष्णुता के खिलाफ विरोध करता है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की तो अमिताभ बच्चन नारायण शंकर के रूप में मेघा के पिता और गुरुकुल के प्रिंसिपल, शाहरुख खान राज आर्यन मल्होत्रा के रूप में मेघा के प्रेमी और गुरुकुल में संगीत शिक्षक, ऐश्वर्या राय मेघा शंकर के रूप में नारायण की बेटी और राज की प्रेमिका, उदय चोपड़ा विक्रम, विकी कपूर विक्रम ओबेरॉय नकली के रूप में इशिता के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र, जुगल हंसराज शर्मा के रूप में संजना के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र, जिम्मी शेरगिल करण चौधरी के रूप में किरण के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र। बात करते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन की तो रोमांटिक ड्रामा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में निर्माण से पहले जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाली और सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्मों में से एक है। आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन की शुरुआत करने के लिए मोहब्बतें लिखना शुरू कर दिया था। चोपड़ा को लगा कि मोहब्बतें का विषय बहुत परिपक्व था, इसलिए उन्होंने निर्देशक के रूप में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को अपनी पहली फिल्म और मोहब्बतें को अपनी दूसरी फिल्म बनाया। अपनी अगली फिल्म में अलग थीम चाहते हुए उन्होंने मोहब्बतें को एक थ्रिलर के रूप में सोचा, लेकिन अपना विचार बदल दिया और एक और रोमांटिक फिल्म बनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, मुझे एहसास हुआ कि उस कहानी में कुछ ऐसा है जो मुझे उसकी ओर खींचता रहता है, इसलिए एक दिन मैंने अपनी थ्रिलर फाइल बंद कर दी और लापरवाही से अपनी मोहब्बतें फाइल उठा ली। उस एक साधारण एक्शन ने मेरे लिए दूसरी फिल्म तैयार कर ली। चोपड़ा ने दिल तो पागल है कि रिलीज के बाद मोहब्बतें लिखना शुरू किया। वे चाहते थे कि यह फिल्म रोमांटिक कहानियों से बढ़कर हो। हिंदी सिनेमा के विश्वकोश के अनुसार यह फिल्म 1999 की अमेरिकी आने वाली उम्र के नाटक डेट पोस्ट सोसाइटी से प्रेरित थी। बात करते इस फिल्म के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो 13 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने 93 करोड़ की कमाई की है। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की तो मोहब्बतें को रिलीज होने पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसमें बच्चन और खान के अभिनय को सबसे अधिक प्रशंसा मिली। Rediff.com की सवेरा आर सोमेश्वर ने टिप्पणी की कि फिल्म बेशक एक गड़बड़ है, लेकिन यह एक सफल
फील गुड फिल्म भी है। उन्होंने दोनों अभिनेताओं को दो स्तंभों के रूप में वर्णित किया जिन पर यह फिल्म बनी है, और हर बार जब वे आमने सामने आते हैं तो एक उम्मीद भरी खामोशी होती है। बॉलीवुड हंगामा के तरह आदर्श ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए। दोनों के बीच टकराव के दृश्यों को शानदार तरीके से संभालने के लिए आदित्य चोपड़ा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि निर्देशक अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर है। उन्होंने कहा, एक बार भी आपको ऐसा नहीं लगता कि चोपड़ा में लेखक किसी एक पक्ष की ओर झुका है। विनायक चक्रवर्ती ने निष्कर्ष निकाला, स्पष्ट रूप से आदित्य चोपड़ा को इस बार एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक ठोस पटकथा से वंचित, प्रभावशाली उपचार से रहित और अपने मेगा सपने को बढ़ाए बनाए रखने के लिए किसी भी निर्देशनीय विश्वसनीयता की कमी मोहब्बतें किसी भी नवोदित फिल्म निर्माता के लिए एक सच्चा सबक है कि कैसे फिल्म बननी चाहिए। जी नेक्स्ट के विनय हागडे ने फिल्म की तीखी समीक्षा करते हुए इसे मूर्खतापूर्ण कहा और कहा कि खैर और सिंह पूरी तरह से बेकार थे। बात करें होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन Zee5 पर देख सकते हैं। मोहब्बतें 2000 में बनी हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे आदित्य चोपड़ा ने लिखा और निर्देशित किया है तथा यश चोपड़ा ने अपने बैनर यश राज फिल्म्स के तहत इसका निर्माण किया है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के अलावा उदय चोपड़ा, शमिता शेट्टी, जुगल हंसराज, किम शर्मा, जिमी शेरगिल और प्रीति जगियानी जैसे नए चेहरे हैं। यह गुरुकुल कॉलेज के सख्त प्रिंसिपल नारायण की कहानी है जिसकी बेटी मेघा कॉलेज में संगीत शिक्षक राज के साथ उसके रिश्ते का विरोध करने के बाद आत्महत्या कर लेती है। कहानी में राज 3 गुरुकुल छात्रों और उनके प्रेम प्रसंगों के साथ मिलकर नारायण की प्रेम के प्रति असहिष्णुता के खिलाफ विरोध करता है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की तो अमिताभ बच्चन नारायण शंकर के रूप में मेघा के पिता और गुरुकुल के प्रिंसिपल, शाहरुख खान राज आर्यन मल्होत्रा के रूप में मेघा के प्रेमी और गुरुकुल में संगीत शिक्षक, ऐश्वर्या राय मेघा शंकर के रूप में नारायण की बेटी और राज की प्रेमिका, उदय चोपड़ा विक्रम विकी कपूर विक्रम ओबेरॉय नकली के रूप में इशिता के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र, जुगल हंसराज शर्मा के रूप में संजना के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र, जिम्मी शेरगिल करण चौधरी के रूप में किरण के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र। बात करते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन की तो रोमांटिक ड्रामा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में निर्माण से पहले जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाली और सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्मों में से एक है। आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन की शुरुआत करने के लिए मोहब्बतें लिखना शुरू कर दिया था। चोपड़ा को लगा कि मोहब्बतें का विषय बहुत परिपक्व था, इसलिए उन्होंने निर्देशक के रूप में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को अपनी पहली फिल्म और मोहब्बतें को अपनी दूसरी फिल्म बनाया। अपनी अगली फिल्म में अलग थीम चाहते हुए उन्होंने मोहब्बतें को एक थ्रिलर के रूप में सोचा, लेकिन अपना विचार बदल दिया और एक और रोमांटिक फिल्म बनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, मुझे एहसास हुआ कि उस कहानी में कुछ ऐसा है जो मुझे उसकी ओर खींचता रहता है, इसलिए एक दिन मैंने अपनी थ्रिलर फाइल बंद कर दी और लापरवाही से अपनी मोहब्बतें फाइल उठा ली। उस एक साधारण एक्शन ने मेरे लिए दूसरी फिल्म तैयार कर ली। चोपड़ा ने दिल तो पागल है कि रिलीज के बाद मोहब्बतें लिखना शुरू किया। वे चाहते थे कि यह फिल्म रोमांटिक कहानियों से बढ़कर हो। हिंदी सिनेमा के
विश्वकोश के अनुसार यह फिल्म 1999 की अमेरिकी आने वाली उम्र के नाटक डेट पोएस्ट सोसाइटी से प्रेरित थी। बात करते हैं इस फिल्म के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो 13 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने 93 करोड़ की कमाई की है। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की तो मोहब्बत को रिलीज होने पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसमें बच्चन और खान के अभिनय को सबसे अधिक प्रशंसा मिली। Rediff.com की सवेरा आर सोमेश्वर ने टिप्पणी की कि फिल्म बेशक एक गड़बड़ है, लेकिन यह एक सफल फील गुड फिल्म भी है। उन्होंने दोनों अभिनेताओं को दो स्तंभों के रूप में वर्णित किया जिन पर यह फिल्म बनी है, और हर बार जब वे आमने सामने आते हैं तो एक उम्मीद भरी खामोशी होती है। बॉलीवुड हंगामा के तरह आदर्श ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए। दोनों के बीच टकराव के दृश्यों को शानदार तरीके से संभालने के लिए आदित्य चोपड़ा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि निर्देशक अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर है। उन्होंने कहा, एक बार भी आपको ऐसा नहीं लगता कि चोपड़ा में लेखक किसी एक पक्ष की ओर झुका है। विनायक चक्रवर्ती ने निष्कर्ष निकाला, स्पष्ट रूप से आदित्य चोपड़ा को इस बार एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक ठोस पटकथा से वंचित, प्रभावशाली उपचार से रहित और अपने मेगा सपने को बनाए रखने के लिए किसी भी निर्देशनीय विश्वसनीयता की कमी मोहब्बतें किसी भी नवोदित फिल्म निर्माता के लिए एक सच्चा सबक है कि कैसे फिल्म बननी चाहिए। जी नेक्स्ट के विनय हागडे ने फिल्म की तीखी समीक्षा करते हुए इसे मूर्खतापूर्ण कहा और कहा कि खैर और सिंह पूरी तरह से बेकार थे। बात करें भूम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन Zee5 पर देख सकते हैं। मोहब्बतें 2000 में बनी हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे आदित्य चोपड़ा ने लिखा और निर्देशित किया है तथा यश चोपड़ा ने अपने बैनर यश राज फिल्म्स के तहत इसका निर्माण किया है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के अलावा उदय चोपड़ा, शमिता शेट्टी, जुगल हंसराज, किम शर्मा, जिमी शेरगिल और प्रीति जगियानी जैसे नए चेहरे है। यह गुरुकुल कॉलेज के सख्त प्रिंसिपल नारायण की कहानी है, जिसकी बेटी मेघा कॉलेज में संगीत शिक्षक राज के साथ उसके रिश्ते का विरोध करने के बाद आत्महत्या कर लेती है। कहानी में राज 3 गुरुकुल छात्रों और उनके प्रेम प्रसंगों के साथ मिलकर नारायण की प्रेम के प्रति असहिष्णुता के खिलाफ विरोध करता है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की तो अमिताभ बच्चन नारायण शंकर के रूप में मेघा के पिता और गुरुकुल के प्रिंसिपल, शाहरुख खान राज आर्यन मल्होत्रा के रूप में मेघा के प्रेमी और गुरुकुल में संगीत शिक्षक, ऐश्वर्या राय मेघा शंकर के रूप में नारायण की बेटी और राज की प्रेमिका, उदय चोपड़ा विक्रम विकी कपूर विक्रम ओबेरॉय नकली के रूप में इशिता के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र, जुगल हंसराज शर्मा के रूप में संजना के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र, जिम्मी शेरगिल करण चौधरी के रूप में किरण के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र। बात करते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन की तो रोमांटिक ड्रामा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में निर्माण से पहले जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाली और सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्मों में से एक है। आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन की शुरुआत करने के लिए मोहब्बतें लिखना शुरू कर दिया था। चोपड़ा को लगा कि मोहब्बतें का विषय बहुत परिपक्व था, इसलिए उन्होंने निर्देशक के रूप में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को अपनी पहली फिल्म और मोहब्बतें को अपनी दूसरी फिल्म बनाया।
अपनी अगली फिल्म में अलग थीम चाहते हुए उन्होंने मोहब्बतें को एक थ्रिलर के रूप में सोचा, लेकिन अपना विचार बदल दिया और एक और रोमांटिक फिल्म बनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, मुझे एहसास हुआ कि उस कहानी में कुछ ऐसा है जो मुझे उसकी ओर खींचता रहता है। इसलिए एक दिन मैंने अपनी थ्रिलर फाइल बंद कर दी और लापरवाही से अपनी मोहब्बतें फाइल उठा ली। उस एक साधारण एक्शन ने मेरे लिए दूसरी फिल्म तैयार कर ली। चोपड़ा ने दिल तो पागल है कि रिलीज के बाद मोहब्बतें लिखना शुरू किया। वे चाहते थे कि यह फिल्म रोमांटिक कहानियों से बढ़कर हो। हिंदी सिनेमा के विश्वकोश के अनुसार यह फिल्म 1999 की अमेरिकी आने वाली उम्र के नाटक डेट पोस्ट सोसाइटी से प्रेरित थी। बात करते इस फिल्म के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो 13 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने 93 करोड़ की कमाई की है। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की तो मोहब्बत को रिलीज होने पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसमें बच्चन और खान के अभिनय को सबसे अधिक प्रशंसा मिली। Rediff.com की सवेरा आर सोमेश्वर ने टिप्पणी की कि फिल्म बेशक एक गड़बड़ है, लेकिन यह एक सफल फील गुड फिल्म भी है। उन्होंने दोनों अभिनेताओं को दो स्तंभों के रूप में वर्णित किया जिन पर यह फिल्म बनी है, और हर बार जब वे आमने सामने आते हैं तो एक उम्मीद भरी खामोशी होती है। बॉलीवुड हंगामा के तरह आदर्श ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए। दोनों के बीच टकराव के दृश्यों को शानदार तरीके से संभालने के लिए आदित्य चोपड़ा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि निर्देशक अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर है। उन्होंने कहा, एक बार भी आपको ऐसा नहीं लगता कि चोपड़ा में लेखक किसी एक पक्ष की ओर झुका है। विनायक चक्रवर्ती ने निष्कर्ष निकाला, स्पष्ट रूप से आदित्य चोपड़ा को इस बार एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक ठोस पटकथा से वंचित, प्रभावशाली उपचार से रहित और अपने मेगा सपने को बढ़ाए बनाए रखने के लिए किसी भी निर्देशनीय विश्वसनीयता की कमी मोहब्बतें किसी भी नवोदित फिल्म निर्माता के लिए एक सच्चा सबक है कि कैसे फिल्म बननी चाहिए। जी नेक्स्ट के विनय हागडे ने फिल्म की तीखी समीक्षा करते हुए इसे मूर्खतापूर्ण कहा और कहा कि खैर और सिंह पूरी तरह से बेकार थे। बात करें होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन Zee5 पर देख सकते हैं। मोहब्बतें 2000 में बनी हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे आदित्य चोपड़ा ने लिखा और निर्देशित किया है तथा यश चोपड़ा ने अपने बैनर यश राज फिल्म्स के तहत इसका निर्माण किया है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के अलावा उदय चोपड़ा, शमिता शेट्टी, जुगल हंसराज, किम शर्मा, जिमी शेरगिल और प्रीति जगियानी जैसे नए चेहरे हैं। यह गुरुकुल कॉलेज के सख्त प्रिंसिपल नारायण की कहानी है, जिसकी बेटी मेघा कॉलेज में संगीत शिक्षक राज के साथ उसके रिश्ते का विरोध करने के बाद आत्महत्या कर लेती है। कहानी में राज 3 गुरुकुल छात्रों और उनके प्रेम प्रसंगों के साथ मिलकर नारायण की प्रेम के प्रति असहिष्णुता के खिलाफ विरोध करता है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की तो अमिताभ बच्चन नारायण शंकर के रूप में मेघा के पिता और गुरुकुल के प्रिंसिपल, शाहरुख खान राज आर्यन मल्होत्रा के रूप में मेघा के प्रेमी और गुरुकुल में संगीत शिक्षक, ऐश्वर्या राय मेघा शंकर के रूप में नारायण की बेटी और राज की प्रेमिका, उदय चोपड़ा विक्रम विकी कपूर विक्रम ओबेरॉय नकली के रूप में इशिता के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र, जुगल हंसराज शमे शर्मा के रूप में
संजना के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र जिम्मी शेरगिल करण चौधरी के रूप में किरण के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र। बात करते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन की तो रोमांटिक ड्रामा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में निर्माण से पहले जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाली और सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्मों में से एक है। आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन की शुरुआत करने के लिए मोहब्बतें लिखना शुरू कर दिया था। चोपड़ा को लगा कि मोहब्बतें का विषय बहुत परिपक्व था, इसलिए उन्होंने निर्देशक के रूप में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को अपनी पहली फिल्म और मोहब्बतें को अपनी दूसरी फिल्म बनाया। अपनी अगली फिल्म में अलग थीम चाहते हुए उन्होंने मोहब्बतें को एक थ्रिलर के रूप में सोचा, लेकिन अपना विचार बदल दिया और एक और रोमांटिक फिल्म बनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, मुझे एहसास हुआ कि उस कहानी में कुछ ऐसा है जो मुझे उसकी ओर खींचता रहता है, इसलिए एक दिन मैंने अपनी थ्रिलर फाइल बंद कर दी और लापरवाही से अपनी मोहब्बतें फाइल उठा ली। उस एक साधारण एक्शन ने मेरे लिए दूसरी फिल्म तैयार कर ली। चोपड़ा ने दिल तो पागल है कि रिलीज के बाद मोहब्बतें लिखना शुरू किया। वे चाहते थे कि यह फिल्म रोमांटिक कहानियों से बढ़कर हो। हिंदी सिनेमा के विश्वकोश के अनुसार यह फिल्म 1999 की अमेरिकी आने वाली उम्र के नाटक डेट पोस्ट सोसाइटी से प्रेरित थी। बात करते इस फिल्म के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो 13 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने 93 करोड़ की कमाई की है। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की तो मोहब्बत को रिलीज होने पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसमें बच्चन और खान के अभिनय को सबसे अधिक प्रशंसा मिली। Rediff.com की सवेरा आर सोमेश्वर ने टिप्पणी की कि फिल्म बेशक एक गड़बड़ है, लेकिन यह एक सफल फील गुड फिल्म भी है। उन्होंने दोनों अभिनेताओं को दो स्तंभों के रूप में वर्णित किया जिन पर यह फिल्म बनी है, और हर बार जब वे आमने सामने आते हैं तो एक उम्मीद भरी खामोशी होती है। बॉलीवुड हंगामा के तरल आदर्श ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए। दोनों के बीच टकराव के दृश्यों को शानदार तरीके से संभालने के लिए आदित्य चोपड़ा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि निर्देशक अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर है। उन्होंने कहा, एक बार भी आपको ऐसा नहीं लगता कि चोपड़ा में लेखक किसी एक पक्ष की ओर झुका है। विनायक चक्रवर्ती ने निष्कर्ष निकाला, स्पष्ट रूप से आदित्य चोपड़ा को इस बार एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक ठोस पटकथा से वंचित, प्रभावशाली उपचार से रहित और अपने मेगा सपने को बढ़ाए बनाए रखने के लिए किसी भी निर्देशनीय विश्वसनीयता की कमी मोहब्बतें किसी भी नवोदित फिल्म निर्माता के लिए एक सच्चा सबक है कि कैसे फिल्म बननी चाहिए। जी नेक्स्ट के विनय हागडे ने फिल्म की तीखी समीक्षा करते हुए इसे मूर्खतापूर्ण कहा और कहा कि खैर और सिंह पूरी तरह से बेकार थे। बात करें होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन Zee5 पर देख सकते हैं। मोहब्बतें 2000 में बनी हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे आदित्य चोपड़ा ने लिखा और निर्देशित किया है तथा यश चोपड़ा ने अपने बैनर यश राज फिल्म्स के तहत इसका निर्माण किया है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के अलावा उदय चोपड़ा, शमिता शेट्टी, जुगल हंसराज, किम शर्मा, जिमी शेरगिल और प्रीति जगियानी जैसे नए चेहरे हैं। यह गुरुकुल कॉलेज के सख्त प्रिंसिपल नारायण की कहानी है, जिसकी बेटी मेघा कॉलेज में संगीत शिक्षक राज के साथ उसके रिश्ते का विरोध करने के बाद आत्महत्या कर लेती है। कहानी में राज 3 गुरुकुल
छात्रों और उनके प्रेम प्रसंगों के साथ मिलकर नारायण की प्रेम के प्रति असहिष्णुता के खिलाफ विरोध करता है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की, तो अमिताभ बच्चन नारायण शंकर के रूप में, मेघा के पिता और गुरुकुल के प्रिंसिपल, शाहरुख खान राज आर्यन मल्होत्रा के रूप में मेघा के प्रेमी और गुरुकुल में संगीत शिक्षक, ऐश्वर्या राय मेघा शंकर के रूप में नारायण की बेटी और राज की प्रेमिका, उदय चोपड़ा विक्रम, विकी कपूर विक्रम ओबेरॉय नकली के रूप में इशिता के प्रेमी और गुरुकुल में एक शास्त्र, जुगल हंसराज शर्मा के रूप में संजना के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र, जिम्मी शेरगिल करण चौधरी के रूप में किरण के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र। बात करते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन की, तो रोमांटिक ड्रामा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में निर्माण से पहले जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाली और सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्मों में से एक है। आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन की शुरुआत करने के लिए मोहब्बतें लिखना शुरू कर दिया था। चोपड़ा को लगा कि मोहब्बतें का विषय बहुत परिपक्व था, इसलिए उन्होंने निर्देशक के रूप में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को अपनी पहली फिल्म और मोहब्बतें को अपनी दूसरी फिल्म बनाया। अपनी अगली फिल्म में अलग थीम चाहते हुए उन्होंने मोहब्बतें को एक थ्रिलर के रूप में सोचा, लेकिन अपना विचार बदल दिया और एक और रोमांटिक फिल्म बनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, मुझे एहसास हुआ कि उस कहानी में कुछ ऐसा है जो मुझे उसकी ओर खींचता रहता है, इसलिए एक दिन मैंने अपनी थ्रिलर फाइल बंद कर दी और लापरवाही से अपनी मोहब्बतें फाइल उठा ली। उस एक साधारण एक्शन ने मेरे लिए दूसरी फिल्म तैयार कर ली। चोपड़ा ने दिल तो पागल है कि रिलीज के बाद मोहब्बतें लिखना शुरू किया। वे चाहते थे कि यह फिल्म रोमांटिक कहानियों से बढ़कर हो। हिंदी सिनेमा के विश्वकोश के अनुसार यह फिल्म 1999 की अमेरिकी आने वाली उम्र के नाटक डेट पोस्ट सोसाइटी से प्रेरित थी। बात करते हैं इस फिल्म के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो 13 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने 93 करोड़ की कमाई की है। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की, तो मोहब्बतें को रिलीज होने पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसमें बच्चन और खान के अभिनय को सबसे अधिक प्रशंसा मिली। Rediff.com की सवेरा आर सोमेश्वर ने टिप्पणी की कि फिल्म बेशक एक गड़बड़ है, लेकिन यह एक सफल फील गुड फिल्म भी है। उन्होंने दोनों अभिनेताओं को दो स्तंभों के रूप में वर्णित किया जिन पर यह फिल्म बनी है, और हर बार जब वे आमने सामने आते हैं तो एक उम्मीद भरी खामोशी होती है। बॉलीवुड हंगामा के तरल आदर्श ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए। दोनों के बीच टकराव के दृश्यों को शानदार तरीके से संभालने के लिए आदित्य चोपड़ा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि निर्देशक अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर है। उन्होंने कहा, एक बार भी आपको ऐसा नहीं लगता कि चोपड़ा में लेखक किसी एक पक्ष की ओर झुका है। विनायक चक्रवर्ती ने निष्कर्ष निकाला, स्पष्ट रूप से आदित्य चोपड़ा को इस बार एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक ठोस पटकथा से वंचित, प्रभावशाली उपचार से रहित और अपने मेगा सपने को बनाए रखने के लिए किसी भी निर्देशनीय विश्वसनीयता की कमी मोहब्बतें किसी भी नवोदित फिल्म निर्माता के लिए एक सच्चा सबक है कि कैसे फिल्म बननी चाहिए। जी नेक्स्ट के विनय हागडे ने फिल्म की तीखी समीक्षा करते हुए इसे मूर्खतापूर्ण कहा और कहा कि खैर और सिंह पूरी तरह से बेकार थे।
बात करें होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन जी फाइव पर देख सकते हैं। मोहब्बतें 2000 में बनी हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे आदित्य चोपड़ा ने लिखा और निर्देशित किया है तथा यश चोपड़ा ने अपने बैनर यश राज फिल्म्स के तहत इसका निर्माण किया है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के अलावा उदय चोपड़ा, शमिता शेट्टी, जुगल हंसराज, किम शर्मा, जिमी शेरगिल और प्रीति जगियानी जैसे नए चेहरे हैं। यह गुरुकुल कॉलेज के सख्त प्रिंसिपल नारायण की कहानी है, जिसकी बेटी मेघा कॉलेज में संगीत शिक्षक राज के साथ उसके रिश्ते का विरोध करने के बाद आत्महत्या कर लेती है। कहानी में राज तीन गुरुकुल छात्रों और उनके प्रेम प्रसंगों के साथ मिलकर नारायण की प्रेम के प्रति असहिष्णुता के खिलाफ विरोध करता है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की तो अमिताभ बच्चन नारायण शंकर के रूप में मेघा के पिता और गुरुकुल के प्रिंसिपल, शाहरुख खान राज आर्यन मल्होत्रा के रूप में मेघा के प्रेमी और गुरुकुल में संगीत शिक्षक, ऐश्वर्या राय मेघा शंकर के रूप में नारायण की बेटी और राज की प्रेमिका, उदय चोपड़ा विक्रम विकी कपूर विक्रम ओबेरॉय नकली के रूप में इशिता के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र, जुगल हंसराज शर्मा के रूप में संजना के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र, जिम्मी शेरगिल करण चौधरी के रूप में किरण के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र। बात करते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन की तो रोमांटिक ड्रामा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में निर्माण से पहले जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाली और सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्मों में से एक है। आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन की शुरुआत करने के लिए मोहब्बतें लिखना शुरू कर दिया था। चोपड़ा को लगा कि मोहब्बतें का विषय बहुत परिपक्व था, इसलिए उन्होंने निर्देशक के रूप में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को अपनी पहली फिल्म और मोहब्बतें को अपनी दूसरी फिल्म बनाया। अपनी अगली फिल्म में अलग थीम चाहते हुए उन्होंने मोहब्बतें को एक थ्रिलर के रूप में सोचा, लेकिन अपना विचार बदल दिया और एक और रोमांटिक फिल्म बनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, मुझे एहसास हुआ कि उस कहानी में कुछ ऐसा है जो मुझे उसकी ओर खींचता रहता है, इसलिए एक दिन मैंने अपनी थ्रिलर फाइल बंद कर दी और लापरवाही से अपनी मोहब्बतें फाइल उठा ली। उस एक साधारण एक्शन ने मेरे लिए दूसरी फिल्म तैयार कर ली। चोपड़ा ने दिल तो पागल है कि रिलीज के बाद मोहब्बतें लिखना शुरू किया। वे चाहते थे कि यह फिल्म रोमांटिक कहानियों से बढ़कर हो। हिंदी सिनेमा के विश्वकोश के अनुसार यह फिल्म 1999 की अमेरिकी आने वाली उम्र के नाटक डेट पोस्ट सोसाइटी से प्रेरित थी। बात करते हैं इस फिल्म के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो 13 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने 93 करोड़ की कमाई की है। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की तो मोहब्बतें को रिलीज होने पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसमें बच्चन और खान के अभिनय को सबसे अधिक प्रशंसा मिली। Rediff.com की सवेरा आर सोमेश्वर ने टिप्पणी की कि फिल्म बेशक एक गड़बड़ है, लेकिन यह एक सफल फील गुड फिल्म भी है। उन्होंने दोनों अभिनेताओं को दो स्तंभों के रूप में वर्णित किया जिन पर यह फिल्म बनी है, और हर बार जब वे आमने सामने आते हैं तो एक उम्मीद भरी खामोशी होती है। बॉलीवुड हंगामा के तरल आदर्श ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए। दोनों के बीच टकराव के दृश्यों को शानदार तरीके से संभालने के लिए आदित्य चोपड़ा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि निर्देशक अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर है। उन्होंने कहा, एक बार भी आपको ऐसा नहीं लगता कि चोपड़ा में लेखक किसी एक पक्ष की ओर झुका है। विनायक चक्रवर्ती ने
निष्कर्ष निकाला। स्पष्ट रूप से आदित्य चोपड़ा को इस बार एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक ठोस पटकथा से वंचित, प्रभावशाली उपचार से रहित और अपने मेगा सपने को बढ़ाए बना रखने के लिए किसी भी निर्देशनीय विश्वसनीयता की कमी, मोहब्बतें किसी भी नवोदित फिल्म निर्माता के लिए एक सच्चा सबक है कि कैसे फिल्म बननी चाहिए। जी नेक्स्ट के विनय हागडे ने फिल्म की तीखी समीक्षा करते हुए इसे मूर्खतापूर्ण कहा और कहा कि खैर और सिंह पूरी तरह से बेकार थे। बात करें मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन ZEE5 पर देख सकते हैं। मोहब्बतें 2000 में बनी हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे आदित्य चोपड़ा ने लिखा और निर्देशित किया है तथा यश चोपड़ा ने अपने बैनर यश राज फिल्म्स के तहत इसका निर्माण किया है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के अलावा उदय चोपड़ा, शमिता शेट्टी, जुगल हंसराज, किम शर्मा, जिमी शेरगिल और प्रीति जगियानी जैसे नए चेहरे हैं। यह गुरुकुल कॉलेज के सख्त प्रिंसिपल नारायण की कहानी है जिसकी बेटी मेघा कॉलेज में संगीत शिक्षक राज के साथ उसके रिश्ते का विरोध करने के बाद आत्महत्या कर लेती है। कहानी में राज तीन गुरुकुल छात्रों और उनके प्रेम प्रसंगों के साथ मिलकर नारायण की प्रेम के प्रति असहिष्णुता के खिलाफ विरोध करता है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की तो अमिताभ बच्चन नारायण शंकर के रूप में मेघा के पिता और गुरुकुल के प्रिंसिपल, शाहरुख खान राज आर्यन मल्होत्रा के रूप में मेघा के प्रेमी और गुरुकुल में संगीत शिक्षक, ऐश्वर्या राय मेघा शंकर के रूप में नारायण की बेटी और राज की प्रेमिका, उदय चोपड़ा विक्रम, विकी कपूर विक्रम ओबेरॉय नकली के रूप में इशिता के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र, जुगल हंसराज शर्मा के रूप में संजना के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र, जिम्मी शेरगिल करण चौधरी के रूप में किरण के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र। बात करते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन की तो रोमांटिक ड्रामा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में निर्माण से पहले जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाली और सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्मों में से एक है। आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन की शुरुआत करने के लिए मोहब्बतें लिखना शुरू कर दिया था। चोपड़ा को लगा कि मोहब्बतें का विषय बहुत परिपक्व था, इसलिए उन्होंने निर्देशक के रूप में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को अपनी पहली फिल्म और मोहब्बतें को अपनी दूसरी फिल्म बनाया। अपनी अगली फिल्म में अलग थीम चाहते हुए उन्होंने मोहब्बतें को एक थ्रिलर के रूप में सोचा, लेकिन अपना विचार बदल दिया और एक और रोमांटिक फिल्म बनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, मुझे एहसास हुआ कि उस कहानी में कुछ ऐसा है जो मुझे उसकी ओर खींचता रहता है, इसलिए एक दिन मैंने अपनी थ्रिलर फाइल बंद कर दी और लापरवाही से अपनी मोहब्बतें फाइल उठा ली। उस एक साधारण एक्शन ने मेरे लिए दूसरी फिल्म तैयार कर ली। चोपड़ा ने दिल तो पागल है कि रिलीज के बाद मोहब्बतें लिखना शुरू किया। वे चाहते थे कि यह फिल्म रोमांटिक कहानियों से बढ़कर हो। हिंदी सिनेमा के विश्वकोश के अनुसार यह फिल्म 1999 की अमेरिकी आने वाली उम्र के नाटक डेट पोस्ट सोसाइटी से प्रेरित थी। बात करते इस फिल्म के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो 13 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने 93 करोड़ की कमाई की है। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की तो मोहब्बत को रिलीज होने पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसमें बच्चन और खान के अभिनय को सबसे अधिक प्रशंसा मिली। Rediff.com की सवेरा आर सोमेश्वर ने टिप्पणी की कि फिल्म बेशक एक गड़बड़ है, लेकिन यह एक सफल
फील गुड फिल्म भी है। उन्होंने दोनों अभिनेताओं को दो स्तंभों के रूप में वर्णित किया जिन पर यह फिल्म बनी है, और हर बार जब वे आमने सामने आते हैं तो एक उम्मीद भरी खामोशी होती है। बॉलीवुड हंगामा के तरल आदर्श ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए। दोनों के बीच टकराव के दृश्यों को शानदार तरीके से संभालने के लिए आदित्य चोपड़ा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि निर्देशक अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर है। उन्होंने कहा, एक बार भी आपको ऐसा नहीं लगता कि चोपड़ा में लेखक किसी एक पक्ष की ओर झुका है। विनायक चक्रवर्ती ने निष्कर्ष निकाला, स्पष्ट रूप से आदित्य चोपड़ा को इस बार एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक ठोस पटकथा से वंचित, प्रभावशाली उपचार से रहित और अपने मेगा सपने को बढ़ाए बनाए रखने के लिए किसी भी निर्देशनीय विश्वसनीयता की कमी मोहब्बतें किसी भी नवोदित फिल्म निर्माता के लिए एक सच्चा सबक है कि कैसे फिल्म बननी चाहिए। जी नेक्स्ट के विनय हागडे ने फिल्म की तीखी समीक्षा करते हुए इसे मूर्खतापूर्ण कहा और कहा कि खैर और सिंह पूरी तरह से बेकार थे। बात करें होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन Zee5 पर देख सकते हैं। मोहब्बतें 2000 में बनी हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे आदित्य चोपड़ा ने लिखा और निर्देशित किया है तथा यश चोपड़ा ने अपने बैनर यश राज फिल्म्स के तहत इसका निर्माण किया है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के अलावा उदय चोपड़ा, शमिता शेट्टी, जुगल हंसराज, किम शर्मा, जिमी शेरगिल और प्रीति जगियानी जैसे नए चेहरे हैं। यह गुरुकुल कॉलेज के सख्त प्रिंसिपल नारायण की कहानी है जिसकी बेटी मेघा कॉलेज में संगीत शिक्षक राज के साथ उसके रिश्ते का विरोध करने के बाद आत्महत्या कर लेती है। कहानी में राज 3 गुरुकुल छात्रों और उनके प्रेम प्रसंगों के साथ मिलकर नारायण के प्रेम के प्रति असहिष्णुता के खिलाफ विरोध करता है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की तो अमिताभ बच्चन नारायण शंकर के रूप में मेघा के पिता और गुरुकुल के प्रिंसिपल, शाहरुख खान राज आर्यन मल्होत्रा के रूप में मेघा के प्रेमी और गुरुकुल में संगीत शिक्षक, ऐश्वर्या राय मेघा शंकर के रूप में नारायण की बेटी और राज की प्रेमिका, उदय चोपड़ा विक्रम विकी कपूर विक्रम ओबेरॉय नकली के रूप में इशिता के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र, जुगल हंसराज शर्मा के रूप में संजना के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र, जिम्मी शेरगिल करण चौधरी के रूप में किरण के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र। बात करते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन की तो रोमांटिक ड्रामा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में निर्माण से पहले जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाली और सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्मों में से एक है। आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन की शुरुआत करने के लिए मोहब्बतें लिखना शुरू कर दिया था। चोपड़ा को लगा कि मोहब्बतें का विषय बहुत परिपक्व था, इसलिए उन्होंने निर्देशक के रूप में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को अपनी पहली फिल्म और मोहब्बतें को अपनी दूसरी फिल्म बनाया। अपनी अगली फिल्म में अलग थीम चाहते हुए उन्होंने मोहब्बतें को एक थ्रिलर के रूप में सोचा, लेकिन अपना विचार बदल दिया और एक और रोमांटिक फिल्म बनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, मुझे एहसास हुआ कि उस कहानी में कुछ ऐसा है जो मुझे उसकी ओर खींचता रहता है, इसलिए एक दिन मैंने अपनी थ्रिलर फाइल बंद कर दी और लापरवाही से अपनी मोहब्बतें फाइल उठा ली। उस एक साधारण एक्शन ने मेरे लिए दूसरी फिल्म तैयार कर ली। चोपड़ा ने दिल तो पागल है कि रिलीज के बाद मोहब्बतें लिखना शुरू किया। वे चाहते थे कि यह फिल्म रोमांटिक कहानियों से बढ़कर हो। हिंदी सिनेमा के
विश्वकोश के अनुसार यह फिल्म 1999 की अमेरिकी आने वाले उम्र के नाटक डेट पोएस्ट सोसाइटी से प्रेरित थी। बात करते हैं इस फिल्म के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो 13 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने 93 करोड़ की कमाई की है। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की तो मोहब्बत को रिलीज होने पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसमें बच्चन और खान के अभिनय को सबसे अधिक प्रशंसा मिली। Rediff.com की सवेरा आर सोमेश्वर ने टिप्पणी की कि फिल्म बेशक एक गड़बड़ है, लेकिन यह एक सफल फील गुड फिल्म भी है। उन्होंने दोनों अभिनेताओं को दो स्तंभों के रूप में वर्णित किया जिन पर यह फिल्म बनी है, और हर बार जब वे आमने सामने आते हैं तो एक उम्मीद भरी खामोशी होती है। बॉलीवुड हंगामा के तरल आदर्श ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए। दोनों के बीच टकराव के दृश्यों को शानदार तरीके से संभालने के लिए आदित्य चोपड़ा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि निर्देशक अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर है। उन्होंने कहा, एक बार भी आपको ऐसा नहीं लगता कि चोपड़ा में लेखक किसी एक पक्ष की ओर झुका है। विनायक चक्रवर्ती ने निष्कर्ष निकाला, स्पष्ट रूप से आदित्य चोपड़ा को इस बार एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक ठोस पटकथा से वंचित, प्रभावशाली उपचार से रहित और अपने मेगा सपने को बनाए रखने के लिए किसी भी निर्देशनीय विश्वसनीयता की कमी मोहब्बतें किसी भी नवोदित फिल्म निर्माता के लिए एक सच्चा सबक है कि कैसे फिल्म बननी चाहिए। जी नेक्स्ट के विनय हागडे ने फिल्म की तीखी समीक्षा करते हुए इसे मूर्खतापूर्ण कहा और कहा कि खैर और सिंह पूरी तरह से बेकार थे। बात करें मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन Zee5 पर देख सकते हैं। मोहब्बतें 2000 में बनी हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे आदित्य चोपड़ा ने लिखा और निर्देशित किया है तथा यश चोपड़ा ने अपने बैनर यश राज फिल्म्स के तहत इसका निर्माण किया है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के अलावा उदय चोपड़ा, शमिता शेट्टी, जुगल हंसराज, किम शर्मा, जिमी शेरगिल और प्रीति जगियानी जैसे नए चेहरे हैं। यह गुरुकुल कॉलेज के सख्त प्रिंसिपल नारायण की कहानी है, जिसकी बेटी मेघा कॉलेज में संगीत शिक्षक राज के साथ उसके रिश्ते का विरोध करने के बाद आत्महत्या कर लेती है। कहानी में राज 3 गुरुकुल छात्रों और उनके प्रेम प्रसंगों के साथ मिलकर नारायण की प्रेम के प्रति असहिष्णुता के खिलाफ विरोध करता है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की तो अमिताभ बच्चन नारायण शंकर के रूप में मेघा के पिता और गुरुकुल के प्रिंसिपल, शाहरुख खान राज आर्यन मल्होत्रा के रूप में मेघा के प्रेमी और गुरुकुल में संगीत शिक्षक, ऐश्वर्या राय मेघा शंकर के रूप में नारायण की बेटी और राज की प्रेमिका, उदय चोपड़ा विक्रम, विकी कपूर विक्रम ओबेरॉय नकली के रूप में इशिता के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र, जुगल हंसराज शर्मा के रूप में संजना के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र, जिम्मी शेरगिल करण चौधरी के रूप में किरण के प्रेमी और गुरुकुल में एक छात्र। बात करते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन की तो रोमांटिक ड्रामा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में निर्माण से पहले जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाली और सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्मों में से एक है। आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन की शुरुआत करने के लिए मोहब्बतें लिखना शुरू कर दिया था। चोपड़ा को लगा कि मोहब्बतें का विषय बहुत परिपक्व था, इसलिए उन्होंने निर्देशक के रूप में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को अपनी पहली फिल्म और मोहब्बतें को अपनी दूसरी फिल्म बनाया।
अपनी अगली फिल्म में अलग थीम चाहते हुए उन्होंने मोहब्बते को एक थ्रिलर के रूप में सोचा, लेकिन अपना विचार बदल दिया और एक और रोमांटिक फिल्म बनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, मुझे एहसास हुआ कि उस कहानी में कुछ ऐसा है जो मुझे उसकी ओर खींचता रहता है। इसलिए एक दिन मैंने अपनी थ्रिलर फाइल बंद कर दी और लापरवाही से अपनी मोहब्बते फाइल उठा ली। उस एक साधारण एक्शन ने मेरे लिए दूसरी फिल्म तैयार कर ली। चोपड़ा ने दिल तो पागल है कि रिलीज के बाद मोहब्बते लिखना शुरू किया। वे चाहते थे कि यह फिल्म रोमांटिक कहानियों से बढ़कर हो। हिंदी सिनेमा के विश्वकोश के अनुसार यह फिल्म 1999 की अमेरिकी आने वाली उम्र के नाटक डेट पोस्ट सोसाइटी से प्रेरित थी। बात करते हैं इस फिल्म के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो 13 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने 93 करोड़ की कमाई की है। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की, तो मोहब्बत को रिलीज होने पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसमें बच्चन और खान के अभिनय को सबसे अधिक प्रशंसा मिली। Rediff.com की सवेरा आर सोमेश्वर ने टिप्पणी की कि फिल्म बेशक एक गड़बड़ है, लेकिन यह एक सफल फील गुड फिल्म भी है। उन्होंने दोनों अभिनेताओं को दो स्तंभों के रूप में वर्णित किया जिन पर यह फिल्म बनी है, और हर बार जब वे आमने सामने आते हैं तो एक उम्मीद भरी खामोशी होती है। बॉलीवुड हंगामा के तरल आदर्श ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए। दोनों के बीच टकराव के दृश्यों को शानदार तरीके से संभालने के लिए आदित्य चोपड़ा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि निर्देशक अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर है। उन्होंने कहा, एक बार भी आपको ऐसा नहीं लगता कि चोपड़ा में लेखक किसी एक पक्ष की ओर झुका है। विनायक चक्रवर्ती ने निष्कर्ष निकाला, स्पष्ट रूप से आदित्य चोपड़ा को इस बार एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक ठोस पटकथा से वंचित, प्रभावशाली उपचार से रहित और अपने मेगा सपने को बढ़ाए बनाए रखने के लिए किसी भी निर्देशनीय विश्वसनीयता की कमी मोहब्बतें किसी भी नवोदित फिल्म निर्माता के लिए एक सच्चा सबक है कि कैसे फिल्म बननी चाहिए। जी नेक्स्ट के विनय हागडे ने फिल्म की तीखी समीक्षा करते हुए इसे मूर्खतापूर्ण कहा और कहा कि खैर और सिंह पूरी तरह से बेकार थे। बात करें होम मीडिया की, तो इस मूवी को आप ऑनलाइन Zee5 पर देख सकते हैं। इस तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।